सो हेलो एवरीवन, दिस इज जिल गुप्ता। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर टू। और ये जो चैप्टर टू है ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है, यानी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इसको चैप्टर टू माना गया है, लेकिन कुमार मित्तल जी का जो बुक है उसके अकॉर्डिंग ये चैप्टर थ्री है। तो चैप्टर से कोई लेना देना नहीं है, बस चैप्टर के अंदर जो कॉन्सेप्ट है उसे समझना है। और एक बात सुनो, आपने इस चैप्टर को कहीं पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा, ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन लगता होगा, इसके न्यूमेरिकल्स आप नहीं लगा पा रहे होंगे, तो इस वीडियो को देखने के बाद 100% मैं गारंटी देता हूं कि आप इस चैप्टर के एक एक न्यूमेरिकल को सॉल्व कर पाओगे, ठीक है ना। चाहे वो बोर्ड के एग्जाम के हिसाब से हो, चाहे वो कंपटीटिव एग्जाम के हिसाब से हो, कुल मिलाकर के दोनों तरीकों से। तो ये मतलब इस पूरे के पूरे लेक्चर में आपको शानदार क्वेश्चन भी हम लोग देखेंगे और साथ साथ टॉपिक्स को फील करेंगे। पहली बात तो ये समझिए, ये चैप्टर जो है ना एक कहानी है, मतलब पूरा का पूरा एक कहानी है, जिस कहानी को मैं सुनाऊंगा और उस कहानी के हीरो हो आप, यानी सारा का सारा काम आपको करना है। तो ये बात ध्यान रखो कुल मिलाकर के। तो याद रखो, यू आर द हीरो, आप हीरो हो, ठीक ना। तो यहां पर अब आगे हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से चैप्टर्स हैं। देखो अभी ये चैप्टर तो टू ही पढ़ना है ना, ठीक ना। तो चैप्टर टू ही है, यहां पर चैप्टर दो है। अब यहां पर चैप्टर ये दो है जो कि स्थिर वैद्युत विभव एवं धारिता, ये चैप्टर का नाम है। चुपचाप आप देखते रहोगे और कॉपी पेन निकाल करके चुपचाप सारे के सारे चीजों को क्या करोगे, फील करोगे, यानी देखने की कोशिश करोगे। देखो अब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस इस चैप्टर का नाम है, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। देख लेते हैं ना कुल मिलाकर के टॉपिक। देखो चैप्टर से कोई मतलब नहीं है, टॉपिक को हमको स्टडी करना है, बाकी थोड़ा मोड़ा गर्मी है चलेगा सब, कुल मिलाकर के देखिए। अब आपको यहाँ पर प्यारा सा पोस्टर दिख रहा होगा, इस पोस्टर को छोड़ते हैं और नीचे आते हैं और नीचे देखते हैं हमें कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है। अब जानते हो किसके द्वारा लिखा गया होगा ये पूरा का पूरा नोट्स, तो ये लिखा हुआ है मेरे ही द्वारा। अब यहाँ पर अगर इस नोट्स को मतलब ये नोट्स आपको अगर चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जाओ और लिंक है, बस डाउनलोड कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर जो पहला देखिए, पहला जो हम लोग का टॉपिक है ना, पहला टॉपिक है क्या कि यहाँ पर विभवांतर हमारा पहला टॉपिक है। देखिए इस चैप्टर में विभवांतर आगे आया, मतलब आगे आके बैठ गया, फिर उसके पीछे 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 कौन आया, विभव आया। तो बात को समझिएगा कि विभवांतर इस चैप्टर में पहले आया। अब विभवांतर के ही हेल्प से आप समझोगे कि विभव क्या होता है, बात समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर चलते हैं, देखिए विभवांतर होता क्या है, इसको हम शानदार तरीके से फिगर के हेल्प से समझते हैं। देखिए यहाँ पर आपको एक फिगर दिख रहा होगा, इस फिगर को देखते हैं। देखो यहाँ पर अब इसमें मैंने क्या बताया कि हीरो आप हो, क्या हो, हीरो आप। इस चैप्टर में जो भी क्रियाएं, जो भी एक्शन, जो भी रोल प्ले करेगा मेन, वो आप प्ले करोगे, क्योंकि आप हीरो इस चैप्टर के, ठीक ना। इस कहानी के कौन हीरो है तो आपको कुल मिलाकर ये समझो। अब देखो यहाँ पर विभवांतर होता क्या है, देखो हीरो क्या करेगा, अब एकदम एक्शन, एकदम पिक्चर को हाईलाइट करेगा भाई साहब, एक्शन दिखाएगा, तो एक्शन अब दिखाओ आप। देखो होता क्या है यहाँ पर कि यहाँ पर आप करोगे क्या कि यहाँ पर विभवांतर को समझने के लिए आपने करना क्या है कि एक वैद्युत क्षेत्र ले लेना। देखो ये क्या बन गया, ये तो और कुछ बन जा रहा है। देखो यहाँ पर क्या किया हमने, एक वैद्युत क्षेत्र ले लिया, समझिएगा आप ही को मेहनत करना है, अभी हीरो आप हो। देखो अब यहाँ पर करना क्या है, एक हमने क्या ले लिया, एक सोर्स चार्ज ले लिया। सोर्स चार्ज का मतलब स्रोत आवेश, सोर्स चार्ज वही, तो इसका मतलब क्या होता है ना, एक बड़ा सा चार्ज ले लिया है। अब देखो चार्ज है यहाँ पर, भैया ये चार्ज है तो ये वैद्युत क्षेत्र बनाएगा ही, ये तो हमने पहले ही चैप्टर वाले में पढ़ रखा है। अब इसने देखो इतना बड़ा वैद्युत क्षेत्र बना दिया। अब यहाँ पर देखो यहाँ पर करना क्या है कि यहाँ पर थोड़ा सा दूर आपको एक आवेश रखना है, वो भी कौन सा आवेश, परीक्षण आवेश। ये देखो बच्चा क्या है, परीक्षण आवेश है, क्या है, परीक्षण आवेश है, इसको बोला जाता है परीक्षण आवेश, यानी इसका नाम है परीक्षण आवेश, या इसको हिंदी में बोल देते हैं, हिंदी में परीक्षण आवेश ही बोलते हैं, इंग्लिश में बोल देते हैं टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज का मतलब बच्चा कि इसके औकात बहुत कम होते हैं, कैपेसिटी बहुत कम होती है, यानी ये विद्युत क्षेत्र नहीं बना सकता, किसी अन्य आवेश पर उतना ज़्यादा बल नहीं लगा सकता है, तो इसकी जो कैपेसिटी है ये बहुत कम होती है, ये इतना बात आप समझो। अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर है क्या, अब यहाँ पर देखोगे कि अब यहाँ पर हमने एक आवेश रख दिया, वो विद्युत क्षेत्र बना रहा है। अब यहाँ पर देखो इस आवेश टेस्ट चार्ज को हमने बिंदु बी पर रखा है और यहाँ पर एक और बिंदु मान लिया। देखो दो बिंदु की जरूरत पड़ेगी विभवांतर में, याद रखना, ठीक ना, क्योंकि विभवों में अंतर, याद रखना, ठीक ना। तो इसीलिए दो बिंदु की जरूरत पड़ेगी, लेकिन पहले कौन आया, विभवांतर ही आया। देखो अब यहाँ पर बात समझते हैं। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर इस चार्ज को, यानी इस परीक्षण आवेश को, जो कि पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव है, क्या है, पॉजिटिव यानी धनात्मक है भैया, तो इस परीक्षण आवेश को अगर ए बिंदु से बी बिंदु पर ले जाना हो तो कौन ले जाएगा, आप ले जाओगे, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि भैया यहाँ पर ध्यान दे रहे हो आप कि यहाँ पर हमने पॉजिटिव चार्ज मान रखा है, और यहाँ पर भी देखोगे कि यहाँ पर भी जो आपका चार्ज है ना वो भी देखो पॉजिटिव है, तो
भैया चाहे आप जानते हो, एकदम सिंपल सा फैक्ट जानते हो कि यहाँ पर अगर दो पॉजिटिव चार्ज है तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे और ये कुछ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएंगे इधर। बात को समझिएगा, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किधर लगाएंगे? इधर लगाएंगे। तो यहाँ पर जब इधर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है तो भैया वो जाएगा कहाँ? ए बिंदु पर, क्योंकि जाहिर सी बात है बी बिंदु पर आए भैया, और यहाँ पर बल लगा रहा है इधर, तो इधर ढकेल देगा उसको, तो जाएगा कहाँ? तो क्या करना पड़ेगा? क्या बोला? आप हीरो हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? इसको आवेश को उठाना पड़ेगा। आवेश को उठा करके देखो, ये आवेश है, इसको उठा करके ऐसे टू 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 करके यहाँ पर कहाँ पर रखना पड़ेगा भैया? तो यहाँ पर रखना पड़ेगा, मतलब जबरदस्ती आपको दम ताकत लगाना होगा। किससे ज़्यादा? तो आपको वैद्युत बल से ज़्यादा ताकत लगा करके इस आवेश को उठाना होगा। बात समझ में आ रहा है? क्योंकि वैद्युत बल तो भैया उधर लग रहा है, बात को समझिएगा, वैद्युत बल तो उधर लग रहा है लेकिन ताकत हीरो कौन है? आप हीरो, तो आपको ताकत लगाना है, यानी इस आवेश को उठा करके इधर लगाना है। और जाहिर सी बात है अगर आप इस आवेश को उठा करके रख रहे हो दूसरे जगह पर तो विस्थापित भी हो रहा है, बल भी लगा रहे हो, बहुत ताकत लगा रहे हो, तो यहाँ पर जाहिर सी बात है क्या होगा? यहाँ पर काम होगा, यानी कार्य होगा। और वही कार्य क्या कहलाएगा? आपका विभवांतर कहलाएगा। मतलब किसी भी वैद्युत क्षेत्र में किसी एक परिक्षण आवेश को या फिर एक कुलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर ले जाने में जो किया गया कार्य होता है वही विभवांतर कहलाता है। बात समझ में आ रहा है? बहुत आसान है, बस हीरो आप हो। कहानी है ये चैप्टर, ये एकदम मनगढ़ंत कहानी है, लेकिन इस कहानी को समझोगे तभी आगे के टॉपिक आपको समझ में आएंगे। तो कहानी है तो कहानी की तरह एकदम समझते जाइए, एकदम आराम से समझ में आएगा। ठीक, थोड़ा सा टाइम लगेगा, टाइम लगना कोई बेकार बात नहीं है, टाइम लगे यार, थोड़ा सा अधिक टाइम लग जाए, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए तो मजा आ जाए। बस बात समझिएगा, तो यहाँ पर हीरो आप हो, तो आवेश को आपने क्या किया? इधर से या ए बिंदु से बी बिंदु पर ले गया। तो जो आपने कार्य किया, कार्य कैसे कर दिया भैया? अरे बल लगा ही रहे हो, उठा के लाओ, दम तो लगेगा ना, वही दम क्या है? बल है आपका। ठीक ना, दम लगा, विस्थापित भी कुछ ना कुछ हुआ, तो बल गुणे विस्थापन, कार्य, कार्य तो हो गया। बात समझ में आ रहा है? और वही कार्य क्या कहलाएगा? विभवांतर कहलाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो यही है आपका विभवांतर। अब यहाँ पर देखो, हमने डेफिनेशन बताते समय एक दो चीज़ों का कि परीक्षण आवेश को भी एक बिंदु से ले जा सकते हैं क्या जी? दूसरे बिंदु पर परीक्षण आवेश को, और यहाँ पर एक कुलाम आवेश भी हमने नाम लिया भैया। देखो, एक कुलाम आवेश का भी नाम लिया कि एक कुलाम आवेश को भी हम ले जा सकते हैं एक बिंदु से दूसरे बिंदु में। अब यहाँ पर बात समझिएगा, देखिए प्रैक्टिकली एक कुलाम आवेश को एक बिंदु से यानी बी बिंदु से ए बिंदु पर ले जाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो एक कुलाम का आवेश होता है ना, बहुत बड़ा आवेश होता है, बहुत बड़ा, तो आप आसानी से उसको नहीं ले जा पाओगे। बात समझ में आ रहा है ना? लेकिन थ्योरेटिकली जब हम पढ़ते थे किताबों में तो एक कुलाम में आवेश को ले जाते हैं। बात समझ में आ रहा है? अब अगर प्रैक्टिकली देखा जाएगा तो परीक्षण आवेश को ले जा सकते हैं। परीक्षण आवेश का मतलब एकदम छोटका सा आवेश, एकदम बुद्धिका सा आवेश। बात समझ में आ रहा है? एकदम छोटका सा, जिसकी कैपेसिटी औकात बहुत कम है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? लेकिन तो बस समझिए, प्रैक्टिकली हम परीक्षण आवेश को ले जाते हैं, लेकिन थ्योरेटिकली यानी किताब के अनुसार हम एक कुलाम आवेश को ले जा सकते हैं। बात समझ में आ रहा है? तो यही देखो डेफिनेशन यहाँ पर लिखा गया है, तो आपको अब ये बात समझ में आ जानी चाहिए। ये डेफिनेशन ऊपर कहाँ चल गया? यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर ये वाला डेफिनेशन, यहाँ पर देखोगे आप डेफिनेशन में, ये डेफिनेशन में क्या लिखा गया है कि यहाँ पर देख लो कि विभवांतर होता क्या है भैया, कि वैद्युत क्षेत्र में धन परीक्षण आवेश को, याद रखना धन परीक्षण आवेश, तभी तो काम करना पड़ेगा ना। क्यों? यहाँ पर देख रहे हो ये धन परीक्षण आवेश है भैया, अगर माइनस मान लोगे आप तो काम नहीं करना पड़ेगा आपको। जो कार्य यहाँ पर जो कार्य करवा रहा है, मतलब हीरो जो आप हो, आपको काम नहीं करना पड़ेगा अगर इसको माइनस मान लोगे। देखो यहाँ पर ये प्लस हो जाए, ये माइनस हो जाए, धनाक दिया खींच ली अपने ओर, तो आपको काम करना ही नहीं है, फिर काम तो करना ही नहीं। लेकिन यहाँ पर अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो काम करना पड़ेगा, काहे कि इस पर पॉजिटिव पॉजिटिव तो बल इधर, ये इसको ढकेलेगा, तो काम कौन करेगा? आप करोगे, यानी आपको इस आवेश को ले जाना पड़ेगा। यानी इस पूरे के पूरे चैप्टर में जो काम जो करता है वो आप ही हो जो काम करोगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये कुल मिलाकर के आप काम करोगे, तो ये हो जाता है। अब यहाँ पर अगर हम लोग नीचे देखें, तो यहाँ पर जब हम लोग नीचे देखेंगे प्यारा सा, यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर देखो अब क्या है कि अब यहाँ पर आवेश को बिंदु बी से ए बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य। देखो डेफिनेशन एकदम सिंपल था, एकदम सिंपल कि भैया किसी भी वैद्युत क्षेत्र में पढ़ रखा अभी हमने, ठीक है ना, किसी भी वैद्युत क्षेत्र में एक परीक्षण आवेश या एक कुलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया जो कार्य है, और कार्य तभी होगा जब हम उसको करेंगे, तभी तो होगा ना, अपने ही अब थोड़ा में हो जाएगा भाई साहब, है ना। तो जो कार्य होगा वही विभवांतर कहलाता है। बस अब देखो यहाँ पर, तो आवेश को बिंदु बी से ए तक ले जाने में किया गया कार्य, तो किया गया कार्य बच्चा क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर देखो क्यू परीक्षण आवेश को अगर
मतलब फिर क्यों परीक्षण आवेश इसको एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर ले जाने में किया गया कार्य कितना है भैया, डब्लू कार्य हो रहा है, बात को ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर अगर एक कूलम आवेश के लिए निकाले तो एक कूलम आवेश थ्योरेटिकली पॉसिबल है किताब के लिए, तो थ्योरेटिकली पॉसिबल है तो एक कूलम आवेश को ले जाने में, तो ये देखो यूनिटरी मेथड से कहाँ चला जाता है नीचे। अरे भाई साहब इसके बगल में क्या है, वन है, वन कूलम मान लो ना, वन वन मानने में क्या जा रहा है, वन मानने में, तो यूनिटी मेथड यही तो करता है ना। देखो सब तीनों के तुम्हें गुड़ा गुड़ा में है तो हर इसको हमने इधर भेज दिया तो एक ही कूलम तो बचेगा ना, एक कूलम से अरे गुड़ा कर दो यार, वही वाला आ जाएगा कूलम एकम कूलम सॉरी क्यू इज क्यू एकम क्यू कुल मिला करके, तो ये तो एक कूलम आवेश इक्वल टू में डब्ल्यू बाई क्यू नॉट हो जाएगा, बात समझ में आ रहा है। और यही डब्ल्यू बाई जो क्यू नॉट है जिसमें हम आवेश को कहाँ से ले जा रहे हैं बच्चा, तो ऐसे लिख सकते हो आप एकदम झन्नाटेदार तरीके से कि बी से ए तक ले जा रहे हैं बच्चा, ठीक ना, तो बी से ए तक ले जा रहे हैं तो ऐसे लिख सकते हो आप। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वही डब्ल्यू ए बी लिख दो या बी ए लिख दो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे आप बी से ए तक ले जा रहे हो ना तो ऐसे लिख सकते हो। लेकिन देखो अब यहाँ पर बी से ए तक ले जा रहे हैं लेकिन अगर इस विभवांतर के फॉर्म में लिखना होगा तो जहाँ पर आवेश को आप ले जाते हो यानी बी से ए तक ले जाना होगा तो ए वाला देखो पहले लिखते हैं हम लोग, ठीक ना, और बी ऐसे लिख देते हैं, ठीक। विभवांतर जब लिखोगे तो याद रखिए यहां पर कि जहां पर आवेश जा रहा है उसको पहले लिखेंगे आप, और जहां से आवेश आ रहा है उसको बाद में लिखेंगे, थोड़ा ध्यान धरिए, थोड़ा ध्यान रखिए। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वी ए माइनस में बच्चा वो हो जाएगा वी बी, क्योंकि विभव में अंतर तो वी ए माइनस वी बी हो जाएगा, यानी दो बिंदुओं के बीच में विभव का अंतर कितना है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं। यानी वी ए क्या कहलाएगा, यहां पर अगर वी ए को पूछोगे आप कि वी ए क्या कहलाएगा तो वी ए कहलाता है बिंदु ए पर विभव, और बिंदु और बी वी बी क्या कहलाते हैं बच्चा, बिंदु बी व विभव, और दोनों में अंतर विभवांतर कहलाएगा, बात समझ में आ रहा है। तो दो बिंदुओं का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, आराम से समझते चलना है और कोई दिक्कत नहीं होगा आपको समझने में, इतना गारंटी है, तो ये बात आप ध्यान रखोगे। अब देखो यहां पर हमने वही काम किया है, क्या काम किया है, तो यहां पर जब हम लोग आएंगे या, ठीक ना, तो यहां पर जब हम लोग आएंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा वी ए बी, मतलब जहां पर आवेश को ले जा रहे थे कहां पर आवेश को ले जा रहे थे, बिंदु ए पर आवेश को ले जा रहे थे कहां से, बिंदु बी पर, तो जहां पर आवेश को ले जाना रहता है उसको पहले लिखा जाता है, देखो ए को पहले लिखे हैं और बिंदु बी को बाद में लिखे, बात समझ में आ रहा है। तो यहां पर वी ए बी इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू नॉट हो जाएगा, बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो यहां पर अब देखो इसी चीज को आप क्या लिख दोगे यहाँ पर कि वी ए माइनस वी बी लिख दोगे, बात समझ में आ, अरे भैया अगर बिंदु बी पर जहाँ जब तक आवेश रहेगा ना तो वहाँ पर उसकी ऊर्जा थोड़ी ज्यादा रहती है, इसलिए बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाया जाता है, तो वही तो काम कर रहे हैं, ठीक ना। तो ये कुल मिलाकर समझो यहाँ पर कि वी ए माइनस वी बी बी मतलब जहाँ पर ले जाए मतलब ले जा रहे हैं वो पहले होगा, यानी ए बिंदु पहले होगा और वी बिंदु बाद में होगा, इज इक्वल टू में डब्ल्यू बाई क्यू हो जाना है। डब्ल्यू को यहाँ पर आप ऐसे लिख सकते हो कि बी से ए तक लाने में किया गया कार्य, बाकी वी बी को आप यहां पर देखोगे कि इसको किस तरीके से लिखना है, क्या बात समझ में आ रहा है। अब यहां पर वी ए बी ए तथा बी के बीच विभवांतर, बात समझ में आ गया। तो यहां पर जहां वी ए ए का विभव बिंदु बी बी का विभव, बस यही, ये देखो ये जो फॉर्मूला है ना ये फॉर्मूले को ध्यान में रखना है आपको, बात समझ में आ गया कि यहां पर विभवांतर में कुछ नहीं करना है बच्चा, विभवांतर में बस इतना करना है कि एक विद्युत क्षेत्र ले लेना है और विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जितना कार्य करना पड़ रहा है, किसको, आपको बच्चा और किसी को नहीं आपको, तो जितना कार्य करना पड़ रहा है वही क्या कहलाएगा, आपका विभवांतर कहलाएगा, बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये बात आप समझिए थोड़ा सा, ठीक। अब यहां पर देखिए, अब यहां पर अगर हम लोग देखेंगे, पसीना पसीना हो गया, देखिए अब यहां पर अगर हम लोग देखें कि यहां पर कि अब देखिए विभवांतर बराबर में क्या था, विभवांतर बराबर में क्या हो जाएगा बच्चा, तो ये आपका हो जाएगा विभवांतर उल्टा में किया गया कार्य बटा में, अरे भैया डब्ल्यू बटा में क्यों, भूल गए क्या, इतना जल्दी भूल जाते हो, नहीं भूलना है जल्दी, ठीक ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा कि डब्ल्यू बाय में क्यू हो जाएगा, यानी किया गया कार्य बटे में आवेश हो जाएगा। अब यहाँ पर किया गया कार्य जो आवेश बटे में आवेश हो जाएगा, एसआई मात्रक देखेंगे तो एसआई मात्रक कितना हो जाएगा बच्चा, तो एसआई मात्रक कार्य का मात्रक जूल होता है बच्चा, और ये क्या हो जाएगा कूलम हो जाएगा, जूल प्रति कूलम हो जाएगा बच्चा, ठीक ना। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, और इसे वोल्ट भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, है कि नहीं, तो इसे वोल्ट भी बोल लो, मतलब जूल प्रति कूलम को भी को ही हम वोल्ट बोलते हैं, बात समझ में आ गया। तो कुल मिलाकर के विभवांतर का जो मात्रक, दो चीज आपने पढ़ रखा, मात्रक विभवांतर, ये विभवांतर लिखा है जी, तो विभवांतर का दो मात्रक हो गया, एक जूल प्रति कूलम, और जूल प्रति कूलम को ही क्या बोलोगे आप, वोल्ट बोलोगे, स्वाहा। तो ये बात समझो यहाँ पर। अब यहाँ पर देखो, अब विभव को देख लेते हैं। देखो हमने बोला ना कि यहाँ पर आगे विभवांतर पढ़ोगे तभी आपका क्या होगा, विभव आएगा। तो अब विभव को देख लेते हैं कहाँ गया, तो अभी देखिए विभव क्या है। अब देखिए वहां पर आपने क्या किया ना, वहां पर किया क्या था,
कि विभवांतर वाले में कि विद्युत क्षेत्र में ही दो बिंदु मान लिए थे, अब एक बिंदु से दूसरे बिंदु को, एक बिंदु पर जो क्यू परछड़ावेश रखा था उसको क्या कर रहे थे, अब दूसरे बिंदु पर ले जा रहे थे, तो जो किया गया कार्य था वही विभवांतर कहलाता था। वेरी गुड, वेरी गुड। लेकिन विभव वाले में आप करोगे क्या कि जो विभव है उसमें क्या करोगे कि जो बच्चा आवेश होगा ना, जो आवेश होगा ना उसको अनंत से ले आओगे। क्या करोगे, आवेश जो होगा उसको अनंत से ले आओगे विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर। देखो वही काम कर रहे हैं कि यहाँ पर एक हमने वही आवेश ले लिया, अब ये बड़कू सा आवेश लोगे तो इसके कारण देखो एक विद्युत क्षेत्र बन गया। ठीक भैया, अब यहाँ पर हमने क्या किया है कि विद्युत क्षेत्र के अंदर हमने एक बिंदु ले लिया है और इस बिंदु पर हम क्या कर रहे हैं कि आवेश को लाएंगे। कहाँ से भैया, अनंत से लाएंगे। देखो अनंत से ला रहे हैं, ठीक ना, ये कहानी एकदम याद रखो, अनंत से ला रहे हैं और विभवांतर वाले में विद्युत क्षेत्र के अंदर दो ठो बिंदु था, ठीक ना, और इसमें विभव में क्या करोगे, अनंत से ले आओगे। देखो ये सब थोड़े कॉन्सेप्ट को समझोगे ना तो आगे न्यूमेरिकल आप फराटेदार एकदम झन्नाटेदार तरीके से लगा पाओगे, बात को समझिएगा। तो यहाँ पर अनंत से ला रहे हैं किसी बिंदु पर, अनंत से हमने बिंदु पर ले आया, ठीक ना, तो अनंत से लाने पर मतलब किसी भी विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर अनंत से किसी परीक्षण आवेश को लाने पर जो कार्य करना होता है वही विभव कहलाता है। और यहाँ पर एक अजम्पशन माना गया है, आपके एनसीईआरटी में एकदम साफ साफ लिख दिया गया है कि एकदम अजम्पशन नाम मानना पड़ेगा, यानी कुछ ना कुछ आपको मानना पड़ेगा। क्या क्या मानना पड़ेगा गुरुजी? तो यहाँ पर बच्चा मानना पड़ेगा कि जो अनंत पर है ना, अनंत पर जो विभव है वो क्या मानना पड़ेगा, जीरो मानेगा मानना पड़ेगा। और ये हम नहीं माने हैं, ये साइंटिस्ट लोग मान के चल रहे हैं, ये जो एक नियम कानून बना करके चल रहे हैं कि भैया अनंत पर जो विभव होगा ना जीरो। अरे यार, अरे देखो, अगर कोई आवेश है तो उस आवेश के कारण कितना वोल्टेज क्रिएट हो रहा होगा किसी दूर अनंत बिंदु पर, पता है क्या? तो वहां पर जीरो मान के चलो ना, क्या दिक्कत क्या है, बात को समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर अनंत बिंदु पर आपको क्या करना है कि विभव को जीरो मान के चलना है और कुछ नहीं करना है, बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर अब यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर अब करोगे क्या, देखो डेफिनेशन अब वही हो जाएगा, डेफिनेशन बदलना नहीं है, वही है कि विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर एकांक आवेश को अनंत से लाने में किया गया कार्य उस बिंदु का विभव कहलाता है, है, है। तो देखो यहाँ पर क्यू आवेश को यानी परीक्षण आवेश को ही हम क्या कर रहे थे, लाने में जो किया गया कार्य विद्युत क्षेत्र में कितना होगा, हमारा W लगेगा, जाहिर सी बात है क्योंकि विद्युत क्षेत्र में एक सांड रख रखा था जिस सांड का नाम था प्लस क्यू, और यहाँ पर अनंत से अगर प्लस आवेश को लाएंगे तो ये देखो प्लस प्लस इसको ढकेलेगा, तो अगर इस बिंदु में जबरदस्ती लाएंगे यहाँ पर तो हमें कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा, वही कार्य क्या कहलाएगा बच्चा, वही विभव कहलाएगा, लेकिन अनंत से लाएंगे तब, बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर क्या करेंगे बच्चा कि यहाँ पर हमने अनंत से लाने में एक आवेश को जो कार्य करना पड़ा हमें W है, तो एक अगर गुलाम को आवेश को लाना हो तो एक गुलाम आवेश को सब वही है पहली वाला, एक गुलाम आवेश को तो W by Q हो जाएगा। यहाँ पर क्या लिखोगे बच्चा कि यहाँ पर W की जगह पर लिख सकते हो बच्चा, मतलब W के साथ कि Q से A बिंदु तक ला रहे, ये इस बात समझ। देखो यहाँ पर वहाँ पर लिखा गया कि यहाँ पर आप देखो, तो यहाँ पर जो हो जाएगा V, देखो इसके नीचे भी कुछ है आपके लिए तोहफा है, तो यहाँ पर तोहफा, अरे बच्चे तोहफा 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 तोहफा, हाँ कहाँ गया जी, ये देखिए कहाँ चल जाइए भाई बुआ, ये देखो ये बा थोड़ा सा देख लीजिए। अब यहाँ पर क्या है वी ए थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है, ठीक ना, ये थोड़ा सा काम नहीं कर रहा, चलो कोई दिक्कत नहीं, काम कर रहा है ये, ठीक। देखिए यहाँ पर वी ए, अब यहाँ पर आप वी ए लिख रखा है और इसी को वी ए माइनस वी इन्फिनिटी लिख सकते हो। देखो कैसे, देखो हम ए बिंदु पर ला रहे हैं ना, कहाँ से, जिस बिंदु पर लाते हैं उस बिंदु पर क्या रखते हैं हम, ए रखते हैं, इन्फिनिटी पे कोई बिंदु है बी मान लो, तो बी इन्फिनिटी है ना, तो उसको इन्फिनिटी रख दो, चाहे बी मान लो कि जो इन्फिनिटी पर जो हमने बिंदु मान रखा है ना उसको बी मान लो, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, बात को समझिएगा। तो यहाँ पर उसको बी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अरे भैया ये मान के चलो ना, अगर नहीं समझ में आ रहा तो बोला करो यार, कैसे चुपचाप रहते हो। अगर एक आवेश ले लिया विद्युत क्षेत्र है, यहाँ पर हमने इन्फिनिटी पर क्या कर लिया, एक आवेश रख दिया जो कि परीक्षण आवेश है, और यहाँ पर परीक्षण आवेश जो इन्फिनिटी पर रखा है उस पॉइंट भी मान लिया, और यहाँ पर ए बिंदु मान लिया। अब देखो इन्फिनिटी से ले आना है, तो ये जो बी यहाँ पर रखोगे आप मानोगे, ये वी भी मान सकते हो, चाहे इसके बगल में इन्फिनिटी रख दो, कि इन्फिनिटी से ला रहे हैं, ए के बगल में इन्फिनिटी रख दो, तो यहाँ पर ए के बगल में आप इन्फिनिटी भी रख सकते हो इस तरीके से। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, वी ए माइनस में वी इन्फिनिटी, यानी हम इन्फिनिटी से ला रहे हैं। तो यहाँ पर अगर विभवांतर जब देखा जाएगा, दो बिंदु देखा जाएगा ना, तो एक इन्फिनिटी वाला बिंदु हो जाएगा एक विद्युत क्षेत्र के, तो दो बिंदु यहाँ पर भी तो है ना, तो इस फॉर्म में तो लिख ही सकते हैं ना, वी ए माइनस में वी इन्फिनिटी। देखो जिस बिंदु पर लाया जाता है वो पहले होता है, देखो वी ए पहले है, और जहाँ से लाया जाता है तो वो बाद में होता है, बात समझ में आ गया।
तो यहाँ पर आप एजम्पशन का मान रखा था बच्चा, हमने एजम्पशन यानी एज्यूम करने के लिए बोल रखा था बच्चा कि आपको ये मान करके चलना पड़ेगा कि V इन्फिनिटी क्या है वो जीरो के बराबर मान लोगे। अरे भैया बहुत इन्फिनिटी उस आवेश यानी वो जो आवेश होता है ना बहुत छोटा चीज होता है, तो उसके लिए अगर इतना दूरी भी है, इतना दूरी भी है ना, इतना दूरी भी, तो वो इन्फिनिटी का काम करेगा, एकदम इन्फिनिटी का काम करेगा। तो कुल मिलाकर के इन्फिनिटी पर जीरो मान लो ना, का दिक्कत का है, तो वही जीरो मान लिया हमने, ठीक ना। तो यहाँ पर इसका जीरो मान लो, तो यहाँ पर ये जीरो हो गया, तो ये खत्म। तो यहाँ पर वी इन्फिनिटी टू ए यानी इन्फिनिटी से हम आवेश को ला रहे हैं कहाँ पर, ए पे, और भाई भी क्यों नॉट। यहाँ पर इससे कंक्लूजन क्या आपने सीखा कि भैया मोरे यहाँ पर जो विभव होता है ना किसी एक बिंदु के लिए निकालोगे, बात समझ में आ रहा है, विभव किसी एक बिंदु के लिए निकालोगे। जहाँ तक कि अगर विभवांतर की जब हम बात करते हैं तो विभवांतर हमेशा दो बिंदु के लिए निकाला जाता है, क्या बात समझ में आ रहा है, ठीक ना। विभवांतर में एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर ला करके रखते हैं हम आवेश को, परीक्षण आवेश को। और अगर जहाँ विभव की बात करते हैं तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर भी, लेकिन जो पहला बिंदु जहाँ से लाते हैं हम उसको इन्फिनिटी से यानी अनंत से ला करके हम किसी विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर लाने की कोशिश करते हैं आवेश को। तो जो दोनों में कार्य होता है वही कार्य क्या है, विभवांतर है या विभव है, बात समझ में आ रहा है, ठीक है ना। तो ये बात समझिएगा, लेकिन एक बात कंक्लूजन के तौर पर ये याद रखिएगा कि जो विभव है वो हमेशा एक बिंदु के लिए, जो विभवांतर है हमेशा दो बिंदु के लिए, बस। अब चलो बच्चा आगे देख लेते हैं हम। यहाँ पर आगे अगर देखें तो देखो एक वोल्ट की परिभाषा, अब यहाँ पर कभी कभी एग्जाम में ना बच्चा एक वोल्ट की परिभाषा पूछ देता है। देखो एक वोल्ट की परिभाषा के लिए ना आपको ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, एक एम्पियर, एक वोल्ट, एम ओम, एक ओम की परिभाषा, ये सब अपने से आप बना लोगे। देखो एक कभी भी एक एक बोल देना बच्चा, कभी भी एक एक बोल दे तो आपका मन भी कि सबको एक एक मानो सारे के। जैसे मैं यहाँ पर देखें, जैसे मैं क्या चाहिए कि वी इक्वल टू में डब्ल्यू बाई क्यू, ये विभव का फॉर्मूला आप जान गए, बात समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पर विभव का फॉर्मूला जान गया था, तो यहाँ पर करोगे क्या कि मान लो कि एक कूलाम आवेश को लाने में आपका कार्य कितना लग रहा है, एक जूल लग रहा है। क्या बोला बच्चा, एक कूलाम, एक मतलब क्यू के जगह पर भी, क्यू नॉट की जगह पर मान लो एक मान लो, ठीक ना। तो एक कूलाम आवेश को लाने में जो कार्य लग रहा है ना बच्चा वो एक जूल लग रहा है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर भी एक रख दो, यहाँ पर भी, तो कट फट करके यहाँ पर भी वी इक्वल टू में भी एक ही आ जाएगा, बात समझ में आ रहा है कि एक वोल्ट ही तो आ जाएगा ना बच्चा। तो ये यहाँ पर भी एक वोल्ट ही आ जाएगा, तो देख रहा डरना नहीं है यहाँ पर, बस समझते जाना। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चा कि एक वोल्ट इक्वल टू वन जूल बटा में एक कूलाम, बात समझ में आ गया। तो अब यहाँ पर देखो इसका डेफिनेशन आप एकदम आसानी से बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगा आपको। यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप बनाओगे क्या कि देखो एक वोल्ट इक्वल टू में एक जूल बटा में एक कूलाम, क्योंकि हमने एक कूलाम आवेश को लाने में जो कार्य माना है वो एक जूल ही माना है, मतलब एक एक मान लो, कोई कुछ नहीं चाहता यार। तो यहाँ पर यदि दो बिंदुओं के मध्य एक कूलाम आवेश यानी एक कूलाम आवेश को ले जाने में किया गया कार्य एक जूल हो, दो बिंदु के मध्य एक कूलाम आवेश को ले जाने में किया गया कार्य कितना हो, एक जूल हो, क्योंकि हमने मान रखा है, ठीक ना, एक जूल हो, तो उन दोनों बिंदुओं के मध्य विभवांतर एक वोल्ट होता है, बात समझ में आ रहा है कि उन दोनों के मध्य जो विभवांतर हो जाएगा बच्चा वो कितना हो जाएगा, एक वोल्ट हो जाएगा। इतना बात अगर समझ में आ गया तो नीचे चलते हैं हम। यहाँ पर देखो आप देखो कुछ कंडीशंस हैं जो कि किसके कंडीशंस हैं, जो कि हमारे विभवांतर के कंडीशंस हैं, यानी विभव विभवांतर दोनों मान लो, दोनों एक कंडीशन दिए गए हैं। पहला कंडीशन क्या है, किया गया कार्य वैद्युत बल के विरुद्ध होना चाहिए। देखो वैद्युत बल के विरुद्ध क्यों बोल रहा है भाई साहब, तो यहाँ पर वैद्युत बल के विरुद्ध इसलिए बोल रहा है भाई साहब कि यहाँ पर देखो भैया, यहाँ पर मोरे भैया कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज मान रखा था, और यहाँ पर अगर बिंदु विभवांतर के देखेंगे तो यहाँ पर ए बिंदु था, यहाँ पर बी बिंदु था, वैद्युत क्षेत्र के अंदर ही हम इस बिंदु को मान लेते हैं। अब यहाँ पर एक परीक्षण आवेश आपने रखा था, यहाँ पर देखो ये परीक्षण आवेश, परीक्षण आवेश को कहाँ ले जाना था हमें, इस बिंदु पर उठा करके ले जाना था, कौन उठाता, आप ही जानते। तो यहाँ पर देखो अच्छा यहाँ पर देखा जाए अगर तो बल किधर लग रहा है बच्चा, तो बल तो आपका इधर लग रहा है ना बच्चा, ये याद ध्यान दो कि बल तो आपका इधर लग रहा है बच्चा। भैया दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव हैं, दोनों लड़का लड़का हैं, तो क्या इन दोनों में शादी विवाह कर होगा, नहीं होगा ना, क्योंकि दोनों लड़के हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव हैं यार दोनों में, यानी लड़के हैं, कुल मिलाकर ये समझो तो कोई शादी विवाह नहीं होने वाला इनके बीच में। तो कुल मिलाकर के ये क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं, एक दूसरे को ढकेलेंगे, पट तो रस नहीं शादी करा पट तो समझ रहे बात। तो यहाँ पर अब यहाँ पर देखो ये दोनों एक दूसरे को ढकेलेंगे यहाँ पर, यानी यहाँ पर कोई बल नहीं लगने वाला। तो यहाँ पर अब तो ये अवश्य होगा तो ढकेल रहा है, लेकिन हमको बिंदु ए पर ले जाना बा, तो क्या करना पड़ेगा, हमको हीरो बनना पड़ेगा ना, एक्शन बाज, हमको साउथ इंडियन हीरो बनना पड़ेगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इस क्यू नॉट आवेश को यहाँ पर ले जाना पड़ेगा। तो जब हम ले आएंगे तो क्या हो रहा है, यहाँ पर देख रहे हो बवाल हो रहा है, कैसे, यहाँ पर देख रहे हो आपकी ये वैद्युत बल तो इधर लग रहा है, इधर हम आवेश को किधर खींच रहे हैं, इधर, यानी वैद्युत बल इधर, हम आवेश को इधर खींच रहे हैं, तो विपरीत हुआ कि नहीं, बात समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर वही किया गया कार्य जो होगा वैद्युत बल के विरुद्ध होना चाहिए।
तो विरुद्ध यहाँ पर हो रहा है, इसीलिए यहाँ पर हम क्या विभवांतर निकाल सकते हैं। बात समझ में आ रहा है? अब यहाँ पर देखो, किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करना चाहिए। देखो पथ पर निर्भर नहीं करता, क्यों? क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, यानी संरक्षी बल लगता है। इसीलिए पथ का मतलब कि मान लो यहाँ पर हमने एक अच्छा सा एक फिगर बना रखा है, उस फिगर से ही आप समझ जाओगे। देखो ये फिगर हमने बना रखा है कि यहाँ पर ये फिगर बना रखा है कि यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर एक बिंदु ए है, बी बिंदु ई है, ठीक ना। पथ पर निर्भर नहीं करने का मतलब क्या होगा कि आप यहाँ से ए बिंदु से अगर किसी आवेश को बी बिंदु पर या सीधे ले जा रहे हो या इस तरीके से ले जा रहे हो, तो यहाँ पर देखो जो किया गया कार्य होगा ना वो हमेशा बराबर होगा। किया गया कार्य क्या होगा? वो बराबर होगा। बात को समझ में आ रहा है कि यहाँ पर बच्चे समझना कि पथ पर निर्भर न करने का मतलब ये है कि अगर ए बिंदु से बी बिंदु पर किसी आवेश को आप ले आ रहे हो बच्चा, तो यहाँ पर जो किया गया कार्य होगा ना बच्चा वो पथ पर निर्भर नहीं करेगा। मतलब इधर से आप घर जा रहे हो तो डब्ल्यू वन कार्य हुआ, इधर सीधे से गए तब भी डब्ल्यू वन, तो कार्य जो किया गया कार्य होगा ना वो हमेशा क्या होगा? बराबर होगा। बात समझ में आ रहा है? यानी पथ पर वो निर्भर नहीं कर रहा है बच्चा, ये बात समझेगा। बात क्या समझ में आ रहा है मुझा? देखिए अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे, यहाँ पर पथ पर निर्भर नहीं कर रहा है, यानी क्या क्या कार्य क्या है सब बराबर है। तो यहाँ पर आप ये भी बोल सकते हो कि W1 यानी एक राउंड में जो कार्य होगा, जो किया गया कार्य होगा राउंड में, वो क्या होगा? जीरो के बराबर होगा। क्यों भैया? देखो ये, अरे यार समझो, यहाँ पर जो कार्य होता है ना बल गुणे विस्थापन होता है, बल गुणे विस्थापन होता है, बल विस्थापन को dx से दिखाते हैं भैया। ये विस्थापन है, विस्थापन में आप जानते हो कि सबसे दो बिंदुओं के बीच में जो सबसे न्यूनतम, जो सबसे कम दूरी वाला जो दूरी होता है ना, जब जो दो बिंदुओं के बीच में जो सबसे कम लंबाई वाला जो डिस्टेंस होता है ना, वही क्या कहलाता है? विस्थापन कहलाता है। तो यहाँ पर आप ये भी जानते हो कि अगर हम यहाँ पर मान लीजिए इसी जगह पर पैदा हुए और फिर घुमा गए फिर इसी जगह पर मर गए, तो हमारा विस्थापन कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर राउंड में क्या होगा कि यहाँ से वस्तु चला फिर घूम करके वहीं, तब ना राउंड में किया गया कार्य निकालोगे यार। तो एक राउंड में जो जब विस्थापन है क्या होगा? यहाँ से वस्तु चला और घूम करके यहीं पर आ गया, तो विस्थापन जीरो, तो कार्य भी तो जीरो आएगा ना। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ये सब बेसिक चीज़ें हैं, ये दिमाग में होनी चाहिए। तो वही बताया गया है कि ये कार्य पर निर्भर नहीं करता है। तो इतना बच्चा आप समझना। अब यहाँ पर देखो, अब आगे चलते हैं बच्चा कि अब ये आगे क्या है। अब यहाँ पर देखो एक बात और बताया गया यहाँ पर, फिर अगला टॉपिक हम लोग देखेंगे कि वर्क डन इन अ राउंड ट्रिप इज जीरो। वही इंग्लिशवा में लिख दिया है, ठीक है ना। वन ट्रिप मतलब वर्क डन इन अ राउंड ट्रिप, मतलब एक राउंड ट्रिप में जो वर्क डन होता है बच्चा वो क्या होता है? जीरो होता है। क्या बात समझ में आ रहा है? तो ये बात आप समझना थोड़ा सा। अब देखो यहाँ पर एक बिंदु और लिखा गया है कि एक बिंदु क्या लिखा गया है? परीक्षण आवेश बहुत छोटा होना चाहिए। बहुत छोटा होता ही, उसकी औकात ही बहुत छोटी होती है सर। बार बार औकात मत नापिए उसका, औकात नापना बेकार बात है। देखो परीक्षण आवेश है ना, छोटा छुटकू सा आवेश है लेकिन बहुत यूजफुल है। देखो छुटकू सा है लेकिन बहुत यूजफुल है, यानी काम हर कोई आता है। देखो यहाँ पर कोई विद्युत क्षेत्र नहीं बनाता, मतलब जो परीक्षण आवेश है वो कोई विद्युत क्षेत्र नहीं बनाएगा। ऐसा बात क्यों बोला जा रहा है? देखो भैया अगर ये जो है, ये जो आवेश था, अब यहाँ पर परीक्षण आवेश मान लीजिए इसके अंदर ही था, तो परीक्षण आवेश भी ताकतवर रहता है ना, तो इसी को ढकेल देता साला वो, है कि नहीं? इसीलिए परीक्षण आवेश लेते हैं कि एक ही को रहने दो, यानी एक ही ताकतवर को रखने दो, बाकी तुम थोड़ा सा कमे पड़ जाओ। बात समझ में आ रहा है? तो इसीलिए तो यहाँ पर आप बात समझिएगा इस चीज़ को। अब यहाँ पर देखो, अब आगे हम अगर चलें तो परीक्षण आवेश छोटा होता है, आवेश को बहुत धीरे धीरे गति कराना पड़ता है। यानी अगर आप मान लो ये विद्युत क्षेत्र है आपका, तो यहाँ पर अगर आपने ए बिंदु से बी बिंदु पर, यानी ए बिंदु से बच्चा, यानी सॉरी बी बिंदु से आप ए बिंदु पर किसी को ला रहे हो, कहीं पर भी लिया जा सकते हो। अगर यहाँ पर ए बिंदु से बी बिंदु पर ला रहे हो, यानी विरुद्ध काम करवाना रहता है विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध, तो अगर बी बिंदु से ए बिंदु पर लाना पड़ेगा, ठीक ना, तो बी बिंदु से ए बिंदु पर ला रहे हो, ठीक ना, तो यहाँ पर इसको धीरे धीरे उठा कर लगाओगे। इतना धीरे धीरे लगाओ ना कि इनफाइनाइट स्टेप्स बन जाए इस पर। बात समझ में आ रहा है? मतलब बहुत धीरे 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 लाना पड़ता है। ये नहीं कि उठा कचक से रखे दिए, ऐसे उठाए जैसे कि आप ही को कार्य करना है, यानी आप ही तो हीरो हो, आप ही को उठा कर लाना है। ये नहीं कि ऐसे उठाए हम रखे दिए इसे, ऐसे तेजी से नहीं, आराम से उठाना पड़ता है, आराम से एकदम धीरे धीरे, ठीक ना। तो ये बात याद रखना। देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर बच्चा, अब अगला जो हम लोग का टॉपिक है वो क्या बोल रहा है बच्चा, तो ये टॉपिक है बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र। अब देखो कोई बिंदु आवेश ले लो, बिंदु आवेश का मतलब बहुत छोटका सा आवेश। अब उस बहुत छोटके से आवेश के कारण क्या निकालना है आपको? विद्युत क्षेत्र निकालना है। तो उसके बारे में हम लोग क्या करते हैं देख लेते हैं। तो बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र निकालना है। तो यहाँ पर हमें करना क्या है, हमें बखूबी कि एक बिंदु आवेश मान लो, क्या करो, एक बिंदु आवेश मान लो, मतलब एक छुटकू सा आवेश मान लो यार। देखो ये जो छुटकू सा आवेश है ना, ये मान लो, ये
ये बिंदु आवेश, बिंदु आवेश मतलब छोटा सा आवेश होता है, लेकिन ये जो परीक्षण आवेश के तुलना में बहुत पावरफुल आवेश होता है। ये भले ही छोटा सा आवेश होता है लेकिन परीक्षण आवेश की तुलना में बहुत ज़्यादा ताकतवर आवेश होता है, ये बात समझिए। तो बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव आपको ज्ञात करना है बच्चा। तो बिंदु आवेश ये मान हो गया, लेकिन इसकी जो अब ये कहलाता है कि बिंदु आवेश यानी छोटा सा आवेश है, लेकिन परीक्षण आवेश से कई गुना ज़्यादा ताकतवर होता है, ये बात को समझिएगा। तो ये समझिए कि यहाँ पर अब ये बिंदु आवेश हमने ले लिया है और इससे और बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर, एक बिंदु ही मान लिया, मान लो आप, मान लो कोई बिंदु, मान लो यहाँ पर एक बिंदु मान लो, किसी बिंदु पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है, ठीक ना। तो देखो यहाँ पर अगर किसी बिंदु पर वैद्युत विभव ज्ञात करना होगा तो आपको करना क्या होगा कि मान लो हमें इस बिंदु पर विभव वैद्युत विभव ज्ञात करना है, ठीक ना। क्या करना पड़ेगा, एक बिंदु पर विद्युत विभव ज्ञात करना पड़ेगा। तो इसी बिंदु पर वैद्युत विभव ज्ञात करना, ये देखो इसी बिंदु पर, इसी बिंदु पर यह बिंदुआ बा गुरु, उसे यहीं पर क्या करेगा बा, वैद्युत विभव ज्ञात करेगा बा, ठीक ना। तो हमें करना क्या पड़ेगा कि आवेश को उठा करके लाना पड़ेगा, कहाँ से, अनंत से। क्यों, क्योंकि वैद्युत विभव की बात की जा रही है, ना कि वैद्युत विभवांतर की बात की जा रही है। बात को समझ में आ रहा है कि यहाँ पर अनंत से आवेश को उठा के लाना पड़ेगा, कहाँ, इस बिंदु पर। तब तो वैद्युत आवेश के कारण किसी बिंदु पर, तो बिंदु, ये बिंदु आवेश हो गया, और बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर, किसी बिंदु का मतलब इस बिंदु पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। तो इस बिंदु पर आवेश को कहाँ से लाना पड़ेगा, अनंत से। अब अनंत पे बिंदु हमने बी मान रखा है जो कि दिख रहा होगा आपको, बात समझ में आ रहा है, लेकिन वो आवेश अनंत पे। देखो अनंत का मतलब ये नहीं कि यहाँ पर एक आवेश बा तो दिल्ली में एक दूसरा आवेश बा, ऐसा नहीं। अनंत का मतलब ये होता है बच्चा कि जो आवेश होता है ना एक छोटी सी क्वांटिटी होती है। तो आवेश यहाँ पर है, तो अगर इतना भी दूर पर रखे हो आप किसी मतलब अन्य, मतलब यहाँ पर एक बिंदु है और इस बिंदु, इस आवेश को इस बिंदु पर लाना होगा, तो ये आवेश जो होगा ना अनंत दूरी पर रखा, मतलब कि कहलाएगा, मान सकते हो। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आप ये देखते हो ना कि देखो यहाँ पर कि आवेश इतना छोटा होता है ना कि ये दूरी उसके लिए अनंत हो जाएगी, बहुत दूर। जैसे आप जिस मोबाइल की स्क्रीन पे देख रहे हो, मान लो कोई भी चीज़ देख रहे हो मोबाइल की स्क्रीन पे, ठीक ना। तो मोबाइल की स्क्रीन पे कोई भी चीज़ अगर देख रहे हो आप, ठीक, तो मोबाइल की स्क्रीन पे एक छोटा सा चींटी रख दो, चींटी इधर देखेगा अरे मोबाइल का स्क्रीन, उधर देखेगा अरे मोबाइल का स्क्रीन, तो चारों तरफ दिखेगा तो उसको मोबाइल का स्क्रीन ही दिखेगा। तो सोचेगा साला ये मोबाइल का स्क्रीन अनंत है एकदम, मतलब खत्म ही नहीं होगा, बात समझ में आ रहा है। तो करता करेगा क्या कि मोबाइल की स्क्रीन पर चारों तरफ घूमते रहेगा, अपना दिन बिताते रहेगा, ये बात को समझिएगा। तो यहाँ पर बस आप इतना बात को समझिए। अब यहाँ पर देखिए तो करेंगे क्या, इसी बिंदु पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है, यानी आवेश को बी बिंदु, बी बिंदु कहाँ पर है, अनंत पर है। तो अनंत से हमें उठा करके ए बिंदु पर लाना पड़ेगा, स्वाहा। तो यही काम करेंगे, तो जानते हैं हम कि अगर ए अनंत से उठा करके किसी बिंदु पर लाएंगे तो हमें कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा, वही कार्य क्या कहलाएगा, वैद्युत विभव कहलाएगा। तो ये हो जाएगा। अब यहां पर देखो, अब जाहिर सी बात है कि यहाँ पर एक और बवाल आ जाएगा, कौन सा बवाल आ जाएगा कि देखो यहाँ पर दोनों के दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, ये तो बेचारा अनंत पर रखा हुआ है, लेकिन 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 दोनों के बीच में पॉजिटिव चार्ज है तो दोनों के बीच में वैद्युत बल तो लगेगा ना, है कि नहीं, कि इस पे मतलब ये देखो बहुत ताकतवर होता है, तो ये जो बल है इस बल को ढकेलेगा ही, जिसका डायरेक्शन ऑलरेडी हमने बना रखा है कि इधर होगा। तो करना क्या है, फिर से देख लेते हैं, समझ लेते हैं कि अगर आपको किसी बिंदु के का बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है तो इस बिंदु पर आपको अनंत से क्या करना पड़ेगा, किसी आवेश को लाना पड़ेगा, उस आवेश को लाने में जो किया गया कार्य होगा वही आपका वैद्युत विभव कहलाएगा, लेकिन अनंत से लाना पड़ेगा, वैद्युत विभव निकाल रहे हैं, मजाक नहीं है ए गुरु। तो यहाँ पर देख लीजिए, गुरु जी पंडित बन जाते हैं एकदम, चलो तुम लोग के लिए पंडित बन गए, देखो पंडित पॉइंट देखो। अब यहाँ पर ये देखिए, तो यहाँ पर आर दूरी पर हमने एक ए बिंदु मान लिया है, इसी पर हमें विभव ज्ञात करना है। करना क्या है कि अब यहाँ पर अनंत जो बेटा बी है ना, बी जो बिंदु है ये अनंत पर है, बात समझिएगा, ठीक ना। तो अब देखो ये वैद्युत बल काम करेगा, ये तो जानते हो क्योंकि दोनों का आवेश है, तो दोनों आवेश है प्लस है, तो ढकेलने का काम करेगा, इधर ढकेलेगा, कुल मिलाकर के इतना बात आपको समझ में आ गया होगा। चलो अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे नीचे और देखोगे तो यहाँ पर देखो अब क्या हो जाएगा कि अब जो लिखावट है इसका, लिखावट थोड़ा सा देख लेते हैं कि माना बिंदु O से X दूरी पर, मतलब O से X दूरी पर, यहाँ पर X दूरी पर बिंदु A के सीध में, बिंदु A के भैया सीध में ही, सीध में एक बिंदु B है जिस पर पॉजिटिव Q नॉट
का गुलाम का पॉजिटिव क्यू नॉट, ये नॉट है जीरो है, गुलाम का धन पर छड़ावेश रखा गया है तो भैया वहां पर हमने रख दिया है। अब यहां पर जानते हो आप कि यहां पर अगर वहां पर छड़ावेश है गुरु तो यहां पर क्या होगा कि यहां पर गुलाम के नियमानुसार उस पर बल रहेगा। तो यहां पर गुलाम का नियमानुसार लिख लेते हैं। देखो गुलाम के नियमानुसार अभी बताया तो ना वैद्युत बल काम करेगा भाई साहब, तो वैद्युत जो बल काम करेगा वो कैसे होगा, देखो वैद्युत जो बल काम करेगा एफ इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये फॉर्मूला जानते हो। और किसके किसके बीच, तो यहां पर प्लस क्यू था बच्चा, यहां पर क्यू नॉट था, तो दोनों के बीच में ही वैद्युत बल काम करेगा। कितने दूरी पर रखा हुआ था, एक्स दूरी पर दोनों के दोनों रखे हुए थे तो नीचे एक्स स्क्वायर हो जाएगा। बात इतना समझ में आ रहा है कि नहीं, समझते चलो बच्चा, ये बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। देखो यहाँ पर, ये देखो यहाँ पर क्या था कि वही ये पॉजिटिव चार्ज था, ये था, इन दोनों के बीच वैद्युत बल जोर काम करेगा। कितने दूरी पर रखे हुए हैं, तो ये दूरी पर रखा हुआ है कि ये एक्स दूरी पर रखा हुआ है। बात आप समझते जाओ, बात समझते जाओ, बहुत ही आसान बात है, ये उतना ज़्यादा कठिन नहीं है जितना आप सोच रहे हो। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, इतना बात को आप थोड़ा थोड़ा समझते जाओ, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आपको समझने में। तो यहाँ पर अब आगे चलते हैं, देखो तो वही वैद्युत बल के गुलाम के अनुसार जो वैद्युत बल जो कितना काम कर रहा था, यही काम कर रहा था ना। अब इसको इतना ही पे छोड़ दो, लावारिस के साथ छोड़ दो इसको। अब देखो परिच्छेद आवेश क्यू नॉट को एफ बल के विरुद्ध, वहाँ पर बोला गया था डेफिनेशन में कि ये जो कार्य होगा ना वैद्युत बल के विरुद्ध होना चाहिए, ये जो कार्य होगा वो वैद्युत बल के विरुद्ध होना चाहिए, तो इसीलिए वैद्युत बल के विरुद्ध कर रहे हैं। बात समझ में आ रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा वैद्युत बल के विरुद्ध बी कहाँ था, अनंत तक, अनंत पे बी से बिंदु सी तक ले जाने में किया गया कार्य। देखो यहाँ पर अब सी तक क्यों ले जाना है, देखो एक फैक्ट है मैं आपको बताता हूँ, आपको थोड़ा सा बस ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो एक पॉइंट, अन्य जो पॉइंट मान लिया गया ना सी तक क्यों। देखो बच्चा यहाँ तक हमने क्या बोला था ना, आपको क्या बोला था याद करो, थोड़ा सा दिमाग पर बस जोड़ा लो कि हमने बोला था कि आवेश को धीरे धीरे करके लाना है, नहीं कि ऐसे हीरो बने और इसे ला कर रख दिए, अब इसको धीरे धीरे करके लाना है। बात समझ में आ रहा है क्यों, क्योंकि देखो आराम से जब लाओगे ना तो आपकी एनर्जी कम जाएगी, हीरो आप हो, आपको लाना है तो एनर्जी आपकी कम जाएगी और आराम से क्या करोगे आप कि इसे ला भी पाओगे, लेकिन आप एक बैग नहीं लाओगे, यानी धीरे 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 करके लाओगे। इसलिए हम क्या बन रहे हैं कि हमको अनंत से तो लाना ही ना, जो बिंदु भी है अनंत है, अनंत पे है, तो अनंत से जब लाना ही है हमको तो हम क्या करें, आराम से, जब हमारे कंडीशन क्या था कि आराम से लाना है, किताब वाले ने बोला है कि यहाँ पर आराम से लाना है, तो हम क्या किया आराम से लाया, ये नहीं ये पूरा का पूरा दूरी कितना था एक्स था, तो हमने आराम से एक बिंदु सी पर लाया, फिर हम थोड़ा सा बिंदु, फिर थोड़ा सा बिंदु, फिर थोड़ा सा बिंदु, ऐसे नहीं करेंगे, बार बार लाने की कोशिश नहीं करेंगे। देखो आप जानते हो कि हमारे पास इंटीग्रेशन नाम का कोई चीज़ है, इंटीग्रेशन का यूज करते हैं कि किसी भी छोटी चीज़ की वैल्यू, किसी भी छोटी डिस्टेंस की वैल्यू आपको पता चल जाए तो आप बड़े से बड़ा डिस्टेंस की वैल्यू पता कर सकते हो। जैसे अगर अगर पूरा लेंथ इसका निकालना है तो हमें अगर इतना का भी लेंथ पता है तो हम उसको इंटीग्रेट कर देंगे तो पूरा का लेंथ पता चल जाएगा, यही तो कमाल है इंटीग्रेशन का। बात समझ आ रहा है कि नहीं, कि किसी भी छोटी चीज़ की वैल्यू आपका अगर आपका पड़ता हो और पूरी वैल्यू कंप्लीट वैल्यू निकालना हो तो क्या कर दो, इंटीग्रेट कर दो, आपका निकल जाएगा, आराम से निकल जाएगा भाई साहब, कोई बवाल मतलब कोई दिक्कतें नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है, तो यहाँ पर वही काम करेंगे हम लोग बच्चा इसमें भी, कि यहाँ पर क्या करेंगे, हमने बोला धीरे धीरे तो बी से उठा लेकिन सी तक लाए, लेकिन लाना कहाँ पर है, यहाँ पर, तो भैया अगर थोड़ा सा दूरी का निकल गया ना तो हम इंटीग्रेट कर देंगे उसको, पूरा दूरी का निकल जाएगा, यानी इतना दूरी तक का निकल जाएगा। दिमाग, साइंटिस्ट पागल नहीं होते हैं, बहुत दिमागदार होते हैं, ठीक ना। अब यहाँ पर देखो तो वही काम हमने किया है बच्चा, कि यहाँ पर हम कर क्या रहे हैं ना, कि आवेश को कर क्या रहे हैं कि सीधे नहीं ले जा रहे हैं, हम आवेश को क्या कर रहे हैं आराम से उठा कर रख रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पर देखो सी तक ले जाने में किया गया कार्य, तो सी तक ले जाने में किया गया कार्य कितना हो जाएगा बच्चा, तो यहाँ पर देखो कि सी तक ले जाने में किया गया कार्य, देखो कार्य बराबर में क्या होता है बच्चा, कार्य बराबर में होता है कि बल गुणे विस्थापन, तो बल और गुणे विस्थापन। अब देखो थोड़ा सा दूरी ले गए हैं, dx दूरी ले गए हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, dw कार्य होगा, यानी छोटके कार्य होगा, तो यहाँ पर dw यानी छोटका कार्य हो गया। अब यहाँ पर देखो आप कि यहाँ पर वैद्युत बल इंटू विस्थापन, वैद्युत बल ऊपर गुलाम का नियम वाला आया था तो उसका वैल्यूया इतना रख देंगे, इतना वैल्यूया रख दिए, और यहाँ पर विस्थापन छोटका सा हुआ था, पूरा लंबाई x था, तो छोटका दूरी कितना था dx ना था, तो dx रख देंगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, यहाँ पर बात को बस थोड़ा थोड़ा ऑब्जर्व करते चलिएगा, आप कर लोगे गारंटी इस पूरे पूरे एक्सरसाइज को यानी चैप्टर को। अब यहाँ पर माइनस वैद्युत बल के विरुद्ध लग रहा है, देखो बल वैद्युत बल तो इधर लग रहा था ना, वैद्युत बल इधर लग रहा था, आप आवेश को किधर ले रहे हो, इधर, तो डायरेक्शन अपोजिट हुआ, तो एक तो प्राणी तो आएगा ना जो कि वैद्युत बल, बात समझ में आ रहा है कि नहीं, तो इसीलिए वहाँ पर माइनस लगा हुआ है।
वैसे भी कॉस्ट जो अगर देखो ये इधर जा रहा है, मतलब दोनों का डायरेक्शन अलग है, बल इधर लग रहा है, विस्थापन आप इधर कर रहे हो, तो 180 डिग्री बन रहा है। और यहाँ पर बल गुणे विस्थापन में कॉस्ट डाल लेते हैं तो वहाँ पर कॉस्ट 180 लग दोगे तो वो भी माइनस में आ जाता है। लेकिन अपोजिट का मतलब हमेशा समझ लो कि वहाँ पर विपरीत डायरेक्शन है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन है तो माइनस आएगा ही आएगा, 180 डिग्री भाई साहब। तो 180 डिग्री का लाभ उठाइए और आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए अब इतना समझ में आ गया। तो अब जब इतना देखो छोटका कार्य निकल गया है बचुआ, अब छोटका कार्य निकल गया तो आपको करना क्या है, पूरा टोटल कार्य निकालना है। यानी ये डी डब्ल्यू छोटका करवाबा तो आपको निकालना है वो बड़का कर, मतलब डब्ल्यू निकालना है तभी कंप्लीट वर्क का निकलेगा ना। तो कंप्लीट वर्क जब निकल जाएगा तो विभवांतर भी निकल जाएगा, क्योंकि विभवांतर का आपका फॉर्मूला है वी बराबर डब्ल्यू बाई क्यू नॉट, यही सब फॉर्मूला है ना, तो यही वाला फॉर्मूला है। तो कुल मिलाकर करो क्या कि यहाँ पर अगर डी डब्ल्यू से डब्ल्यू में चेंज करो फिर ये वाला फॉर्मूला लगा दें, बस विभवांतर निकल गया। बात समझ में आया? तो देखो यहाँ पर अब यहाँ पर तो किसी भी छोटी चीज की वैल्यू दी हो आपको कंप्लीट वैल्यू निकालना हो इंटीग्रेट कर देंगे। देखो इंटीग्रेट कर देते हैं बच्चों, इंटीग्रेट कर देते हैं। देखो यहाँ पर परीक्षण आवेश, अब यहाँ पर देखो कहाँ गया गुरु, यहाँ पर देखो कि परीक्षण आवेश क्यू नॉट को अनंत से ए बिंदु कहाँ था, पहले सी के बाद ए था, तो ए बिंदु पर आप सीधे लाएंगे, मतलब ए बिंदु जिस बिंदु पर हमें लाना था उसी बिंदु पर लाएंगे। ए बिंदु पे लाने में किया गया कार्य कितना हो जाएगा बच्चा, तो हो जाएगा डी डब्ल्यू, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू। इंटीग्रेशन का मतलब कंप्लीट वर्क अब निकालेंगे बच्चा, तो यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू हो जाएगा ये इस तरीके से। अब यहाँ पर देखो बच्चा ला कहाँ से रहे थे, हम ला रहे हैं अनंत बिंदु से ना, और अनंत बिंदु से ला रहे हैं और कहाँ तक, आर तक। देखो ये इन्फिनिटी टू अनंत क्यों लिखा गया है, ध्यान से लिखना इस पॉइंट को, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जरूरी बात, नहीं देखवा तो गड़बड़ा जाए मैटर। फिगरवा में चलो ठीक है, देखो फिगरवा में देखा, यहाँ पर देखा बच्चा, यहाँ पर देखा कहाँ से लाने थे, बी बिंदु कहाँ पर मन ले हैं हमन झने के, हमन झने अनंत पर मन ले हैं, और यहाँ पर अनंत से हमन क्या कर दिया कि यहाँ पर ए बिंदु पर लान दिया, ठीक ना। तो अनंत से ए बिंदु कहाँ कितनी दूरी पर है, आर दूरी पर है भैया अनंत, तो कहाँ पर, तो अनंत से लाना थिया, तो इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, बाउंड्री कहाँ से कहाँ तक आएगा, बाउंड्री कि अनंत से आर दूरी पर जो बिंदु रखा है ना वहीं पर लाना है हमको किसको, आवेश को, इसलिए इन्फिनिटी से आर। बात समझ में आ रहा है कि इन्फिनिटी से आर क्यों, क्योंकि इन्फिनिटी से ला रहे हैं, कहाँ पर ला रहे हैं, तो यहाँ से ये एकदम गाड़ी चला करके कहाँ पर ला रहे हैं, तो हमें आर दूरी पर ला रहे हैं, आर दूरी पर जो बिंदु है ना उसी पर ला रहे हैं, इसीलिए आर लिखा हुआ है ऊपर। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, तो ये बात समझिएगा। अब यहाँ पर अनंत से आर आप समझ गए होंगे कि अनंत से आर क्यों लिखा जा रहा है, ये कुल मिला करके। अब नीचे आ जाते हैं अपने फिर पॉइंट पर। अब यहाँ पर देखिए, तो यही देखिए यहाँ पर क्या लिखा है हमने कि अनंत से वे बच्चे आर दूरी पर ला रहे हैं, ये कुल मिलाकर के अनंत से आर हो गया। माइनस में ये पूरा माइनस आया था क्योंकि बल विपरीत लग रहा था ना, इसलिए माइनस लगा दिया था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सबको इंटीग्रेट कर दे रहे हैं, जो ऊपर वाला था ना ये सुना उसी को इंटीग्रेट कर रहे ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये क्यू क्यू नॉट हो जाएगा, बटे में आर स्क्वायर हो जाएगा, डीएक्स हो जाएगा। बात को समझिएगा, अब यहाँ पर क्या है, डब्ल्यू इज इक्वल टू में ये सब कांस्टेंट को बाहर निकाल दिया जाएगा, तो माइनस क्यू क्यू नॉट बटा में ये सब बाहर कांस्टेंट है, तो ये सबको बाहर निकाल दिया चुपचाप एकदम, चलो निकल लो बेटा बाहर निकाल दिया। अब देखिए वेरिएबल कौन था, यानी बदलेगा कौन, ये बदलेगा, तो इसको अंदर रख लिया, डीएक्स हो गया, बस काम खत्म। इतना के बाद तो आप खुद उड़ा दोगे। देखो यहाँ पर इंटीग्रेशन कैसे किया जाता है, देखो एक्स के पावर एन का बच्चा इंटीग्रेशन, एक्स के पावर एन का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है एक्स के पावर एन प्लस वन और बटे में एन प्लस वन, ये इसका इंटीग्रेशन होता है बच्चे। तो इंटीग्रेशन एक्स के पावर एन, यहाँ पर देखो वन बाई में एक्स के पावर एन, तो भैया आपके पास खुद दिमाग है कि ये नीचे है ना, ये नीचवा है ना, इसको ऊपर कर दोगे तो एक्स के पावर माइनस टू हो जाएगा और बच्चे में इंटू में डीएक्स है तो डीएक्स हो जाएगा। देखो अब वही काम किया है यहाँ पर, देखो कर दिया है x के पावर माइनस टू, तो x के पावर n प्लस वन बटे में n प्लस वन, तो माइनस टू प्लस वन, माइनस में टू प्लस वन हो जाएगा आसानी से। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, x के पावर माइनस वन बचेगा, नीचे माइनस वन बचेगा, ये वाला जो माइनस है यहाँ पर लिख दो, ये वाला जो x के पावर माइनस है उसको नीचे लाओ, तो ये क्या प्लस में हो जाएगा, मतलब इसके ऊपर पहले माइनस वन था तो प्लस वन हो जाएगा, क्योंकि नीचे ले आ रहे हैं ना, ये ऊपर था इसको नीचे ले आओ, तो ये क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है, बड़ा इरिटेट हो जाते हैं कभी कभी यार, ये देखो ये बढ़िया है या देखो, तो ये क्या हो जाएगा वन बाई
माइनस में वन बाई एक्स हो जाना है। बस ये फॉर्मूलवा बस याद रखे गुरु, ये फॉर्मूलवा तो जानवा, बात समझ में आता कि ना। तो ये फॉर्मूलवा बहुत जानवा, तो इस फॉर्मूलवा को बस याद रखिए तो हन जने के, बात समझ में आता कि ना। तो यहाँ पर बस याद रखिए कि कापा। तो यहाँ पर देखिए अब क्या हो जाएगा, ये इतना आ जाएगा। अब देखो बच्चे यहाँ पर समझना इंटीग्रेशन कैसे किया जाता है। तो देखो इंटीग्रेशन में जो लिमिटवा होता है ना, लिमिटवा के आगे हमें पहले वाला ऊपरवा वाले लिमिटवा पहले रखना है हम लोगों को। तो ऊपर वाला लिमिटवा जो है पहले रखेंगे हम लोग, यानी ऐसे रखोगे कि ये वाला लिमिट पहले रखोगे, फिर बीच में माइनस का साइन लगाओगे, फिर नीचे वाला लिमिट रखोगे। देखो कैसे, माइनस को बाहर धक्के मार के निकाल दो आगे। तो देखो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये माइनस खत्म, ठीक, क्योंकि गुणा में है यार, ठीक ना। तो क्यों नॉट बट्टे में फोर पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। लिमिट आपको रख के दिखाते हैं बच्चे कि लिमिट कैसे रखा जाता है। तो आगे हमने बोला आगे ऊपर वाला, तो वन बाई में एक्स के जगह पर आर रखोगे, एक्स के जगह पर रखते हैं ना दोनों नीचे ओ, फिर माइनस अपने से लगाओगे, वन बाई में इन्फिनिटी हो जाएगा बच्चा। तो ये आपका कुल मिलाकर बवाल 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 हो गया, ठीक ना। वन बाई में आर माइनस में वन बाई में इन्फिनिटी हो जाएगा बच्चा कुल मिलाकर के, इतना बात समझिए आप। तो ये आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पर अगर देखोगे कि वन बाई इन्फिनिटी का जो वैल्यू होता है ना बच्चा, वो जीरो के बराबर होता है। वो कितने के बराबर होता है, जीरो के। तो ये पूरा पूरा खत्म, ये पूरा पूरा कितना बचा, वन बाई आर बचा। अब इसको अरेंज करके लिख देते हैं, इतना दिमाग में रखिएगा आप, ठीक, दिमाग में रखिएगा बच्चा। देखिए अब इसको अरेंज कर देते हैं, देखिए यहाँ पर वही काम, वन बाई इन्फिनिटी की वैल्यू कितनी हो गई थी बच्चा, जीरो हो गई थी। W इक्वल टू वन बाई फोर बाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, Q Q नॉट बाई में R हो जाएगा। इतना बात समझ में आ गया कि नहीं, हमारा कार्य निकल गया। यानी कितना आप कार्य करोगे, कहाँ से ये कहाँ से कहाँ तक का कार्य निकला है कि अनंत से ए तक लाने गया तक का कार्य निकल गया। क्योंकि अगर अनंत से बीच में जो बिंदु माने थे सी तक, वहां तक का कार्य क्या था, डी डब्ल्यू था, वहीं पर डी डब्ल्यू निकाले थे, ऊपर में देख लीजिएगा, ठीक ना। अब यहाँ पर अनंत से हम कहाँ तक निकाल रहे हैं, कहाँ तक, अनंत से भैया सीधे ए बिंदु तक का निकाल रहे हैं, बीच में कुछ नहीं, छोटे छोटे छोटे, हमने बोला धीरे धीरे लाया जाता है, तो धीरे धीरे थोड़ा सा लाए। अब हमारे पास इंटीग्रेशन का बवाल है, तो इंटीग्रेशन हम कर देंगे। तो किसी छोटी चीज़ की वैल्यू दी रहती है और पूरा वैल्यू चाहिए, मतलब पूरा सिस्टम का वैल्यू चाहिए, पूरा डिस्टेंस निकालना है, तो करोगे क्या, कुल मिला करके इंटीग्रेट कर दोगे उसको, बात समझ में आ रहा है। तो ये कुल मिला करके बवाल चीज़ था। अब यहाँ पर ये देखो, अब W W का वैल्यू आपको पता चल गया, W का वैल्यू इतना पता है, तो आँख बंद करके आप ऐसे कर सकते हो कि W बाय में अब जानते हो क्यों नॉट होता है, अब तुरंत पढ़ाया था, अभी तुरंत बताया था। तो यहाँ पर W W का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन, मतलब W का फॉर्मूला क्या है वो तो दिया है ना, ये हो जाएगा और बाई में R हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, W बाई में क्यों नॉट हो जाएगा, ये से ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा क्या बच्चा, तो ये वाला आपका फॉर्मूला बचेगा, क्या बचेगा बच्चा, ये वाला फॉर्मूला बचेगा, ये देखो ये 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 बच जाएगा बच्चा, ये वन बाई फोर बाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर क्या बचेगा बच्चा, क्यू क्यू नॉट बाई में नीचे क्या हो जाएगा, आर। अब इस फॉर्मूले को एकदम ध्यान में रखोगे, एकदम याद रखोगे इस फॉर्मूले को। और यही क्या है, किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव, बात समझ में आ गया, किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का फॉर्मूला आपका निकल गया। इतना बात समझ में आया कि क्या बोल रहे हैं, तो ये बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं आएगा आपको सोचने समझने में यानी करने में, इतना आप ध्यान रखोगे। अब नीचे अगर आ जाए बच्चा हम, तो नीचे इसी प्रकार, अब देखो यहाँ पर एक झन्नाटेदार बात बोले आपको कि जब वैद्युत क्षेत्र आप निकाल रहे थे ना, तो वैद्युत क्षेत्र पिछले वाले चैप्टर में जब वैद्युत क्षेत्र आप बच्चा निकाल रहे थे, तो वैद्युत क्षेत्र निकालते समय ना उसमें आप माइनस प्लस का ध्यान नहीं देते थे। क्योंकि देखो वैद्युत क्षेत्र जो है ना, वो एक क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, सॉरी वेक्टर क्वांटिटी है। वैद्युत क्षेत्र वेक्टर का मतलब एक सदिश राशि है, सदिश राशि में दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है। लेकिन वैद्युत विभव क्या है आपका, एक अदिश राशि है, यानी यहाँ पर केवल परिमाण चलता है बच्चा, दिशा नहीं चलता है। तो यहाँ पर आपको माइनस और प्लस लेकर चलना पड़ेगा, बात समझ में आ रहा है कि नहीं। यहाँ पर दिशा उससे कोई मतलब नहीं है, वहाँ पर अगर वैद्युत क्षेत्र में आप माइनस प्लस दिखाते, अगर दिखाते तो वो केवल दिशा को बताता, वैद्युत क्षेत्र की बात की कर रहे हैं। लेकिन आपको हमेशा न्यूमेरिकल में परिमाण निकालना रहता था, तो परिमाण में अगर माइनस भी आवेश दे देता है तो आप प्लस लेके चलते थे। लेकिन इसमें क्या है, इसमें दिशा को कोई लोचा नहीं है, इसीलिए क्या करना पड़ेगा आपको, लिखना पड़ेगा माइनस और प्लस दोनों लिखना पड़ेगा, क्योंकि दिशा कोई लेना लोचा नहीं है। यानी अगर माइनस पाँच कूलाम आवेश है तो माइनस पाँच ही लिखना पड़ेगा, वहाँ नहीं था ऐसा। क्योंकि वहाँ पर ना, वहाँ पर माइनस प्लस का हम केवल इसलिए यूज करते थे बच्चा, क्योंकि हमें दिशा दिखाना था, बात समझ में आ रहा है। तो ये बात आप समझिएगा, ठीक। लेकिन यहाँ पर
आदि से इसको कोई मतलब नहीं है दिशा फिशा से, बताओ तो यहाँ पर दिशा से कोई मतलब नहीं है, यानी यहाँ पर आपको माइनस और प्लस लेना पड़ेगा, यानी प्लस आवेश के कारण जो विद्युत विभव होगा, देखो ये प्लस में आ रहा है बच्चा, और माइनस आवेश के कारण जो विद्युत विभव होगा ये माइनस यहाँ पर लगा दोगे, बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये बात आप समझिए, अगर इतना बात समझ में आ गया होगा तो जय श्री राम। मेन फार्मूला इज दैट, ये भी मेन फार्मूला है, प्लस के कारण प्लस, माइनस के कारण माइनस, ये स्केलर है, ठीक आदमी है, हम स्केलर हैं और हमको दिशा से कोई मतलब नहीं है तो ये बात समझिएगा। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर अगला, अब देखिए, अब हम क्या करते हैं कि कुछ क्वेश्चन आपसे लगवाने की कोशिश करते हैं। देखो यहाँ पर बवालियर चीज हमने ये बताया ना अभी, बवालियर चीज कि ये देखो एक अदिश राशि है, पहली बात तो ये क्या है बच्चा, अदिश राशि है, तो इसमें दिशा से कोई मतलब नहीं है, जैसे कि अदिश का मतलब जैसे आपके पास 10 रुपया है तो वो एक अदिश चीज है, 10 रुपया यार अदिश चीज है, दिशा में थोड़ा ना पापा से मांगते हो 10 रुपया तो क्या करते हो कि बताए 10 रुपया दीजिए उत्तर दिशा में देख के, फिर बजा देंगे पापा कुल मिला करके, तो तुम भी गुस्सा जाओगे 4-5 दिन के पापा बजा दिए हमारा। देखो यहाँ पर कुल मिलाकर के ये एक अदिश राशि है, यहाँ पर इसे दिशा से कोई मतलब नहीं है, जैसे 10 रुपया एक अदिश राशि हो गया, तो वहाँ पर क्या होगा कि जो 10 रुपया है, रुपया जो है एक अदिश राशि है, यानी आप कभी मांगोगे तो ये बोले 10 रुपया दीजिए, 10 रुपया दे दिए, बोले आओ 10 रुपया दीजिए, 10 रुपया आओ दीजिए, 20 रुपया होगा, 30 रुपया होगा, आओ 10 रुपया दीजिए, 40 रुपया होगा, आओ 10 रुपया दीजिए, 50 रुपया होगा, तो आप देख लो एडिशन जो होता है ना अदिश राशि का वो एकदम सिंपली हो जाता है, तो इसमें भी एडिशन एकदम सिंपली हो जाएगा अदिश राशि का, इसमें दिशा से कोई मतलब नहीं होता कि दिशा अपोजिट तो माइनस तो प्लस ऐसे कुछ नहीं, बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इसीलिए बात को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए आप कि यहाँ पर अगर यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि 3 आवेश हैं, एक ये है, एक ये है, एक ये है, और पी बिंदु पर आपको क्या निकालना है, यहाँ पर पी बिंदु पर आपको विभव ज्ञात करना है, मतलब 3 आवेश दे दिया, यानी 3 बिंदु आवेश हैं और 3 बिंदु आवेश एक बिंदु पर कितना ज़्यादा विभव, मतलब कितना ज़्यादा वहाँ पर बल लगा रहे हैं, मतलब कि ठीक ना, मतलब उन तीनों के कारण कितना ज़्यादा वहाँ पर वोल्टेज आ रहा है, उसी वोल्टेज का मान ज्ञात करना है कुल मिलाकर के हम लोगों को। तो यहाँ पर देखो बच्चा कुछ करना नहीं है, यहाँ पर वीपी बराबर में के, अब देखो यहाँ पर इस फॉर्मूले को आप ये देखो, ये देखो यहाँ पर आप इस फॉर्मूले में आप जानते हो कि वी इज इक्वल टू में क्या होता है 1/4πε0 होता है, और यहाँ पर क्या हो जाता है बच्चा Q/ में R हो जाता है। तो यहाँ पर बच्चा करोगे क्या कि इसको क्या लिख दो, K लिख देते हो ना, तो देखो वही काम किया है कि यहाँ पर V इक्वल टू में क्या हो जाएगा, K हो जाएगा और Q/R, यानी KQ/R लिख सकते हो इसको शॉर्ट फॉर्म में, क्या इतना बात समझ में आ रहा है, क्या लिख सकते हो KQ/R लिख सकते हो शॉर्ट फॉर्म में इसे, तो यहाँ पर KQ/R लिख सकते हो, देखो KQ/R1 KQ/R2 माइनस में K2/R2 K3/R3 यहाँ पर ऐसे क्यों लिखा है? देखो हम क्या बोले कि ये इस बात को समझने की कोशिश, ये एक अदिश राशि है भाई साहब, तो अगर अदिश राशि है तो ये मान लो कि इसके कारण इस बिंदु पर कितना होगा विद्युत विभव, यही फॉर्मूले से तो निकालोगे ना, मतलब वही KQ/R1 हो जाएगा, Q2 कारण कितना होगा, Q2 कारण यहाँ पर इतना ही होगा, Q2 कारण इस बिंदु पर, Q3 कारण माइनस है तो माइनस में होगा, हमने बोला अदिश राशि माइनस लेना पड़ेगा, प्लस है तो प्लस लेना पड़ेगा, बात को समझ में आ रहा है, चीज़ों को समझते चलिए, और सबको जैसे पैसा आता है वैसे सबको ऐड कर दिए, माइनस क्या दिशा से कोई मतलब नहीं है, माइनस है तो माइनस में लिखेंगे, प्लस में तो प्लस में लिखेंगे, दिमाग में कुछ धस रहा है कि नहीं इतना बताइए, ठीक धस रहा होगा, वेरी गुड धस रहा होगा, विश्वास है हमें कि आपके दिमाग में धस रहा होगा। यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर अब अगला क्वेश्चन देखें हम लोग, देखो अगला जो क्वेश्चन है ये बोल रहा है, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चे कि यहाँ पर आवेश 4×10⁻⁷ -7 कूलम के कारण इससे 9 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर P पर विभव ज्ञात करना है। देखो बच्चा अब यहाँ पर देखो कि एक आवेश दे दिया है, यानी वही चीज मानो कि एक क्या दे दिया है इससे, अब बढ़िया लग रहा होगा है ना, चलो बवाल दिख रहा है बवाल। अब यहाँ पर देखिए बच्चा समझिए क्वेश्चन को कि एक आपके पास आवेश दे रखा है, अब इस आवेश के कारण, अब इसका मतलब देखो छोटू सा आवेश है 10⁻⁷ है यार, बहुत कब छोटा सा आवेश था ना, ठीक ना, तो यहाँ पर छोटा सा आवेश बिंदु आवेश दे दिया है, उसके अगर 9 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या करना है आपको विद्युत विभव ज्ञात करना है, यानी पी बिंदु पर, तो यहाँ पर जो ये चीज दे रखा है ना पी बिंदु पर, इस कॉन्सेप्ट को समझिए
कि यहाँ पर जो फॉर्मूला लगेगा ना पहले ही वाला लगेगा। क्यों? पहले ही वाला था क्या था, किसी बिंदु आवेश के कारण किसी दूसरे बिंदु पर विभव ज्ञात करना था, यानी ए बिंदु पर। तो ए बिंदु पर अगर विभव ज्ञात करना था तब अनंत से किसी आवेश को लेकर के आते थे, बात समझ में आ रहा था। तो इसमें अनंत से आप ला करके उतना दिखाओगे यानी फॉर्मूला कैसे प्रूफ हो रहा है, फॉर्मूला किस लिए निकाले हम भैया इसी टाइप के तो क्वेश्चन को करने के लिए। तो सीधा हम लोग क्वेश्चन का ये करेंगे, ये नहीं कि हम आवेश को लाएंगे मतलब कि अनंत से लाएंगे वगैरह वगैरह, उतना बड़ा कहानी हम नहीं सहेंगे कुल मिलाकर के। हम सीधा क्या करेंगे कि सीधा हम यहाँ पर जो फॉर्मूला हमने ड्राइव किया है उसी फॉर्मूला का यूज करेंगे, बात समझ में आ रहा है। चलो चलते हैं, अब यहाँ पर देखो दूसरा अभी पढ़ ही लेते हैं। अब आवेश दो मतलब कि ये था, ये दूसरा है तो कि आवेश, अब आवेश दो गुणे दस घात माइनस नौ को अनंत से बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य ज्ञात करो। क्या उत्तर जिस पथ के अनुदिश आवेश को लाया गया है उस पथ पर निर्भर करेगा? देखो पहली बात हमने बता दिया कि आवेश पथ पर निर्भर नहीं करता, तो ये आवेश तो पथ पर नहीं निर्भर करेगा, यानी नहीं सीधे सीधे लिख दोगे। अब यहाँ पर अब आवेश को इतना अनंत से बिंदु पी पर लाने में किया गया कार्य पूछ रहा है, वही निकल जाएगा, बवाल चीज़ नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, यहाँ पर एकदम हलवा की तरह है, हलवा की तरह खा जाना है सब। तो आखिर में देखो ये जो आवेश दिया है इसके आवेश के कारण निकालना है, आपके पास फॉर्मूला बता है कि के क्यू बाई कितना होता है बच्चा आर वन, तो दूरी इतना रख दो, दूरी अभी क्या हमें सेंटीमीटर में हमने बता रखा है बच्चा, हर कुछ हर चैप्टर में हमने सॉल्व कराते समय बता रखा है कि आपका जो मतलब कि जितने वैल्यूज होती है ना उन वैल्यूज को आपको एक ही यूनिट में रखना है। जैसे ये देखो SI में है तो इसको भी SI में करना पड़ेगा, SI का मतलब MKS में, तो यहाँ सेंटीमीटर है ना तो MKS में मीटर में करना पड़ेगा, तो आप इसको क्या कर दो 100 से भाग दे दो, मीटर में चेंज हो गया। अब आप दूरी आपके पास है, दूरी रख दो, K का वैल्यू जानते हो, K का वैल्यू क्या होता है 9 × 10⁻⁹ होता है, कूलाम का जो क्यू का मान है, क्यू का मान इतना कूलाम दे रखा है, तो इसको रख दो, वी का वैल्यू निकल गया आपका, बस उसी चीज को देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर अब यहाँ पर बच्चा करना क्या है कि यहाँ पर जो करोगे आप देखो वही काम करना है, कोई भौगोलिक काम नहीं है कि यहाँ पर देखो आवेश का वैल्यू दिया हुआ था मीटर, ये देखो दिया हुआ था, तो इसको हम 100 से अगर डिवाइड कर देंगे तो 100 ऊपर जाएगा तो 10 घात माइनस दूनी बन जाएगा, इसको नीचे 10 घात दू ये तो रखोगे ना कि जब ऊपर वहाँ जाएगा 10 घात माइनस दू रख जाएगा बन जाएगा, बस यहाँ बवाल चीज़ तो है नहीं। अब यहाँ पर क्या करोगे, वी इक्वल टू में 1/4 ε₀ क्यू बाई आर हो जाएगा, यही फॉर्मूला का यूज करना है। अब इसका वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो 9 × 10⁻⁹, क्यू का मान यहाँ पर पुट कर दो, क्यू का मान तो दिया हुआ था इतना कूलम, और यहाँ पर आर का मान देखो, आर का मान यहाँ पर नीचे पर पुट कर दो, सबको सॉल्व कर धड़ाधड़। देखो इससे ये काट दो तो 10⁻⁵ ऊपर पड़ जाएगा, क्योंकि 10⁻²  था यार, कट गया तो 7 में से 2 कटा तो -5 आ जाएगा। अब यहाँ पर ये देखो ऊपर क्या बच गया, इतना बच गया, अब इसमें से भी अब देखो 10⁻⁹ है, यहाँ पर 10⁻ कितना है 5 है, -5 तो 10⁻+9 -5 4 बचेगा। अब यहाँ पर 36 बच गया, 9 × 36 बच गया और बाई में 9 बच जाएगा, काट दोगे तो 9 × 54 हो जाएगा, 9 × 36 होता है ना, तो 9 × 36 तो यहाँ पर 9 × 36 बार में कट जाएगा। तो यहाँ पर देखो ये कट जाएगा और कटने के बाद आपका क्या आ जाएगा, इस तरीके का इतना आंसर आ जाएगा। बात को समझिएगा, क्या आपको बात समझ में आ रही है बच्चे कि आखिर में क्या यहाँ पर हो गया है, कौन सा बवाल किया गया है? तो ये आई होप इतना आप सॉल्व कर लोगे। देखो कैलकुलेशन अगर आपको नहीं आ रहा होगा तो आप उसमें प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि कैलकुलेशन तभी आएगा आपको बच्चा जब आप प्रैक्टिस करके क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे तब, क्योंकि कैलकुलेशन देखो तभी, क्योंकि हमने भी देखो बहुत ज़्यादा वो किया है, मतलब थोड़ा सा स्ट्रगल किया है कि पहले हमसे भी कैलकुलेशन नहीं हो पाता था, क्लास 10th 11th में जब पढ़ते थे तो हम दिन रात एकदम क्वेश्चन को लगाने लगे एकदम, तो भौकाली होगा यार, काहे नहीं होगा। अरे जब आए इंसान चांद पे चल जा रहा है तो ये तो आम क्वेश्चन है यार, जब इंसान चांद पे चला जा रहा है तो ये तो कौन सा तुम बड़ा सा मतलब दिमाग लगाना है कैलकुलेशन में, करो 4 घंटा करो बवाल कर दोगे क्वेश्चन में, बात समझ में आ रहा है? 4 घंटा बस कैलकुलेशन ना एकदम फटाफट, 1 महीना 4 घंटा करो, देखो फिर ताकतवर महसूस करने लगते होगे कि नहीं, बवाल कर दोगे एकदम बवाल, तो बात याद रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर ये देखो कि अगर इतने आवेश को अगर ले जाया जाए एक मतलब कि अनंत से कहाँ पर जिस बिंदु पर विद्युत विभव ज्ञात कर रहे हैं, इतने आवेश को अगर ले जाया जाए तो आपको क्या ज्ञात करना था, कार्य ज्ञात करना था। तो देखो वो वोल्टेज आपका निकाल रखा है आपने, वोल्टेज यहाँ पर ऊपर में निकाल रखा है कि वोल्टेज यहाँ पर देखो ये वोल्टेज क्या रखा है यहाँ पर निकाल रखा है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा वोल्टेज आपने यहाँ पर, तो वोल्टेज का जगह पर रख दो और यहाँ पर देखो कूलाम ये रखा है, अब दोनों को सॉल्व कर दोगे तो आपका ये भी निकल जाएगा, आपका कुल मिलाकर कार्य निकल जाएगा। क्या बात, इतना समझ में आ रहा है बच्चा? ये
अब यहाँ पर वो बोल रहा था क्या पथ पर निर्भर करेगा, ये आप सॉल्व तो कर सकते हो ना, ये मान रख दिया, वैल्यू रख दिया, अब इसको आप आसानी से सॉल्व तो कर सकते हो, आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगा बच्चा, आराम से आप सॉल्व कर पाओगे इसको। थोड़ा फील कीजिए क्वेश्चन को, आखिर में बोल क्या रहे हैं हमारे गुरु जी, फील थोड़ा सा, बात समझ में आ रहा है, थोड़ा सा फील करेंगे तभी तो मज़ा आएगा ना गुरु। थोड़ा गर्मी लगने लग रहा है, नहीं गर्मी का दिन है तो ठंडा थोड़ा लगे, हम कैसन बतिया थिया। यहाँ पर आप देखिए बच्चा उसमें उसी में क्वेश्चन में बोला था कि क्या पथ पर निर्भर करेगा, तो पथ पर निर्भर नहीं करता बच्चा, तो नहीं करेगा, बात समझ में आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो बल है वो एक संरक्षी है, मतलब जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कंजर्वेटिव, वो कंजर्वेटिव है, कंजर्वेटिव अगर फोर्स लग रहा है तो वो पथ पर निर्भर नहीं करता है, इतना बात याद रखिएगा। तो यहाँ पर नहीं, कुल मिला करके नहीं, सही। आज पार्टी दोगे? नहीं, वैसे ये पथ पर निर्भर करेगा? नहीं, तो नहीं। अब देखिए हम लोग का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है कि संकलन चित्र में VA माइनस VB की गणना करना है आपको, ठीक ना। तो यहाँ पर ये जो चित्र दिया है इसी का हेल्प से हमको VA माइनस VB की गणना करना है। अब देखिए इसमें आसान बहुत है, देखिए कैसे आसान हमने बोल दिया। देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर VA और माइनस VB की गणना करना है तो आपको आगे वोल्टेज निकालना पड़ेगा VA, और वोल्टेज निकालना पड़ेगा VB, मतलब A बिंदु पर कितना ज़्यादा वोल्टेज है बच्चा और B बिंदु पर कितना ज़्यादा वोल्टेज है, दोनों की वैल्यू ज्ञात करनी पड़ेगी, मतलब दोनों की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। अब यहाँ पर बच्चा जाहिर से बात है यहाँ पर दो आपके पास आवेश है, तो दोनों आवेश के कारण बिंदु A पर विभव होगा, उसी तरीके से दोनों आवेश के कारण बिंदु B पर विभव होगा। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर एक मतलब कि इस आवेश के कारण बिंदु A पर कुछ ना कुछ विभव होगा, और उसी तरीके से इसके आवेश के कारण भी बिंदु B पर A पर कुछ ना कुछ विभव होगा, उसी तरीके से बिंदु B पर भी इस आवेश के कारण कुछ ना कुछ विभव होगा और इसके कारण भी कुछ ना कुछ विभव होगा, क्योंकि प्लस आवेश के कारण कुछ ना कुछ विभव होगा जो प्लस में होगा, और माइनस आवेश के कारण भी कुछ ना कुछ विभव होगा जो माइनस में होगा। तो बच्चा हम करेंगे क्या, आगे हम ये करेंगे कि यहाँ पर एक आवेश के कारण मतलब इसका मतलब एक बिंदु लेंगे आगे हम, कि देखो प्लस क्यू कार्ड इस पर कितना विभव होगा और माइनस क्यू कार्ड इतना कितना विभव होगा, तो VA की वैल्यू निकल जाएगी। अगर हम प्लस क्यू कार्ड कितना विभव है उसको क्या कर दें, ऐड कर दें, माइनस क्यू कार्ड कितना विभव है उससे ऐड कर दें, तो हमारे पास क्या निकल जाएगा, VA पर विभव निकल जाएगा, क्योंकि बच्चा हमारे पास VA जो बिंदु है ना वो इन दोनों बिंदुओं के पास में ही तो है ना, तो हमें दोनों आवेश को लेकर के चलना पड़ेगा, है ना, कि दोनों आवेशों के कारण कितने तक विभव का मान आएगा, बात समझ में आ रहा है। तो दोनों आवेश को बच्चा लेकर चलना है, तो दोनों आवेश को याद रखोगे, ठीक ना, तो दोनों आवेशों को, तो यहाँ पर आगे एक मतलब एक एक करके निकाल लेते हैं। अब देखो दूरी की बात आती है बच्चा, तो अगर आप इस आवेश को मतलब इस आवेश के कारण प्लस आवेश के कारण अगर बिंदु A पर अगर विभव ज्ञात करोगे, दूरी कितना लोगे, x लोगे, क्योंकि दूरी यही तो है ना बच्चा, ये x ही तो है ना, तो ये आप दूरी x लोगे, और अगर माइनस क्यू कारण भी देखना पड़ेगा बिंदु A पर, है कि नहीं, मतलब दोनों आवेश को कारण देखना पड़ेगा, बिंदु A पर भी विभव कितना है और दोनों आवेश कारण देखना पड़ेगा बिंदु B पर कितना विभव है, मतलब बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर अगर इसके कारण अगर देखोगे आप कि इस बिंदु पर कितना ज़्यादा विभव है, तो आपको दूरी कितना लेना पड़ेगा, पूरा पूरा ये दूरी, यहाँ नहीं, इस बिंदु से लेकर के यहाँ तक की दूरी, तो वो दूरी कितना हो जाएगा बच्चा, तो एक्स प्लस वाई हो जाएगा, तो वो देखो यहाँ तक एक्स था यहाँ तक वाई था, तो ये हो जाएगा। उसी तरीके से अगर इस बिंदु पर देखें तो इस बिंदु पर प्लस के कारण कितना ज़्यादा विभव होगा, तो ये पूरा पूरा दूरी लोगे, बात समझ में आ रहा है ना, ये पूरा पूरा। उसी तरीके से माइनस के कारण इस बिंदु पर कितना विभव होगा, तो उसके लिए केवल एक्स लोगे, बात समझ में आ रहा है। बहुत ही इजी बच्चा, बहुत ही इजी, उतना ज़्यादा कठिन नहीं है, उतना ज़्यादा कठिन ना समझे इसको, ठीक ना। अब तो वही फिगर हमने यहाँ पर बना रखा है, अब नीचे देख लेते बच्चा, तो नीचे क्या करना है अब हमें, कि नीचे वही काम करना है जो हमने बोला था, कि अब देखो बारी बारी से, अब देखो विभव का फॉर्मूला आप जानते हो कि 1/4πε0 होता है बच्चा, और यहाँ पर क्या होता है q/r होता है। अब r क्या है, दूरी है, तो दूरी हमने बता रखा है किस किस तरीके से लोग बच्चा, तो फिगर के अकॉर्डिंग ही आपको दूरी लेना है, तो यहाँ पर आप समझना, ठीक, बाकी कठिन नहीं है। अब यहाँ पर देखो प्लस q कारण बिंदु A पर विभव, तो प्लस q कारण बिंदु A पर विभव कितना हो जाएगा, v प्लस q हो जाएगा 1/4πε0 हो जाएगा बच्चा, और यहाँ पर q/x लोगे q बच्चा। अब देखो यहाँ पर हमने बता रखा ना प्लस q कारण बिंदु A पर, तो देखो ये दूरी कितना है, ये प्लस, ये देखो ये दूरी कितना है बच्चा, तो ये तो x ही है ना, ये वाली प्लस q कारण A बिंदु, तो ये वाली दूरी x है। अगर प्लस के कारण माइनस के कारण अगर इस बिंदु पर निकालेंगे तो क्या चाहिए, ये पूरी पूरी दूरी लेनी पड़ेगी, बात समझ में आ रहा है, कि अरे भैया माइनस के कारण अगर A बिंदु पर निकालेंगे तो ये पूरा पूरा दूरी लेंगे, और प्लस के कारण निकाल रहे थे ये दूरी, बात समझ में आ गया। तो उसी तरीके से सब निकालेंगे, तो आपको डरना नहीं है दूरी को लेकर के, क्योंकि दूरी आप फिगर से समझ चुके हो। अब देखो
तो हमने यहाँ पर क्या निकाल रखा था कि प्लस क्यूब का अर्थ देखो निकाल रखा प्लस क्यूब का अर्थ, तो फॉर्मूला तो वही होना है बच्चा, तो ये बात याद रखना फॉर्मूला क्या है ना वही होना है। तो वी प्लस क्यू इजकल टू 4/1/4πε0 हो जाएगा, क्यू बाई आर, आर था तो आर दूरी है तो एक्स हो जाना है। अब माइनस क्यू कारण भी क्या हो जाएगा विभव, यही तो होगा ना बच्चा कि माइनस क्यू कारण 1/4πε0 माइनस क्यू बाई एक्स प्लस वाई, बहुत ही जी, क्योंकि माइनस क्यू कारण उधर वाला माइनस क्यू था तो उधर वाला एक्स भी था वाई भी था तो दोनों दूरी ना लेंगे तो इसलिए ये वाला दूरी हो जाएगा। वेरी गुड। अब यहाँ पर बच्चा तो यहाँ पर अब ए बिंदु पर विभव, तो दोनों बिंदु क्या कर देंगे हम ऐड कर देंगे, तो दोनों बिंदुओं को जब ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा देखो, अब यहाँ पर ए पर कितना ज़्यादा नेट विभव हो जाएगा, ए पर नेट विभव इतना ही तो होगा ना कि दोनों ए के कारण और बी के कारण जो विभव आ रहा था क्या चाहिए ए बिंदु पर, अब नेट विभव ए बिंदु पर निकालेंगे तो इसको और इसको बच्चा ऐड कर दो, तो ये देखो ऐड कर दिया हमने। ऐड करने के बाद देखो यहाँ पर अब माइनस के कारण विभव निकालोगे जाहिर सी बात है माइनस ही आएगा, वो माइनस में ही आएगा क्योंकि हमने बता रखा है कि माइनस के कारण जो विभव आता है वो माइनस माइनस में ही आएगा और प्लस के कारण जो विभव होगा वो प्लस में ही आएगा। तो आप बात थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, बात समझ में आ रहा है, लाइट कट गया चलो कोई बात नहीं, हम लोगों को पढ़ना है तो पढ़ना है। अब ए बिंदु पर नेट विभव कितना आ जाएगा, ये इतना आ जाएगा, बात समझ में आ रहा है, तो दोनों को ऐड कर देंगे। अब यहाँ पर माइनस देखो, अब यहाँ पर क्यू और ये वाला ये दोनों तो कॉमन आ जाएगा ना, बाकी बीच में माइनस क्यों लगा है क्योंकि यहाँ पर देखो ये माइनस है तो ये माइनस है एक्स प्लस वाई वाला जो पोर्शन रहेगा वो माइनस में ही रहेगा, क्यों, क्योंकि बाकी सब कॉमन ले लिया क्योंकि बराबर था तो कॉमन ले लिया एक बार में, बात समझ में आ रहा है कि नहीं, तो ये हो जाएगा तो ये कॉमन ले लिया हमने। अब यहाँ पर आगे जब देखेंगे हम लोग आगे अगर देखेंगे देखो अब उसी तरीके से जैसे कि एक्स मतलब कि ए बिंदु पर हमने निकाल लिया कि ए बिंदु पर कितना ज़्यादा विभव है, ठीक है ना, उसी तरीके से अब क्या करेंगे हम कि बी बिंदु पर भी निकाल लेंगे। देखो अब यहाँ पर ए बिंदु पर आगे तो हमने थोड़ा सा ही निकाला था, कहाँ गया ये देखिए ए बिंदु पर हमने निकाल रखा था ए बिंदु पर कितना ज़्यादा विभव है इतना है, ठीक ना, तो यहाँ पर इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर देते हैं क्या जाता है, तो इसको बस एलसीएम लेकर के सॉल्व कर देना है बच्चा, तो एलसीएम लेकर सॉल्व करोगे तो देखो इतना आ जाएगा, यानी ए बिंदु पर विभव बच्चा आपका इतना आ जाएगा, बात समझ में आ रहा है, एलसीएम लेकर बस सॉल्व किया यार कि इसका इधर गुणा कर दो इसके इधर सामने सामने गुणा कर दो बस ये सॉल्व कर दोगे तो क्यू बाई में 4πε0 आ जाएगा, वाई बाई में एक्स ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई हो जाएगा। क्या आपको बात इतना समझ में आ रहा है, बात समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक ना। अब यहाँ पर आगे हम लोग चलते हैं, तो यहाँ पर आगे चलेंगे हम लोग तो उसी तरीके से बी बिंदु पर भी तो निकालना पड़ेगा भैया, तब तो वी ए माइनस बी बी करोगे ना, तो उसी तरीके से आप देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर अगर उसी तरीके से निकालेंगे फिर नीचे चला गया कहाँ गया यहाँ पर कि देखिए यहाँ पर इसी प्रकार उसके बी मतलब उसकी इसी प्रकार प्लस क्यू माइनस क्यू कारण बी बिंदु पर भी विभव निकालोगे तो बी बिंदु पर विभव लेकर निकालोगे देखो इतना आ जाएगा, यानी ये वाला पोर्शन आगे आ जाएगा, करके देख लेना यार करके देख लेना, ये इतना ही आएगा, ठीक ना, तो ये आ जाएगा ये भी माइनस में आएगा। अब करना क्या था आपको कि वी ए माइनस में वी वी का वैल्यू निकालना था, तो वी ए माइनस वी वी का वैल्यू निकालना है तो चलो निकाल लेते हैं कुल मिलाकर कोई दिक्कत नहीं है, तो वी ए माइनस वी वी का वैल्यू यानी वी ए माइनस वी वी का वैल्यू देखो यहाँ नीचे निकाल रखा है कि यहाँ पर क्या करोगे आप कि वी ए माइनस वी बी, तो वी ए का वैल्यू इतना आया था और वी बी का वैल्यू इतना आया था, ठीक ना। अब ये वैल्यू आप समझो बारी बारी से जैसे हमने उसमें मतलब कि वी ए के लिए निकाल रखा था वैसे लिए वी बी के भी निकाल लोगे कोई दिक्कत नहीं, अगर दिक्कत आता है कमेंट करिए हम सेपरेट वीडियो छोटा सा छोटा सा वीडियो बना देंगे आपके लिए, ठीक, अगर इसको दिक्कत आ रहा होगा, ठीक ना, तो वी ए माइनस वी बी 1/4πε0 और देखो अगर इसको जब सॉल्व करोगे आप सॉल्व करने के बाद इतना आ जाएगा। हमने बोला कैलकुलेशन अपने से करने की कोशिश कीजिए, देखिए ये वाली जो क्वांटिटी है ये आपकी कॉमन आ जाएगी, आराम से कॉमन ले लीजिए और इन दोनों को देखिए, नहीं तो ये सीधे सीधे देखिए ना कि यहाँ पर ये दोनों क्वांटिटी देखिए एकदम डिटो एकदम सेम मिल रहा है, तो क्या कर दोगे ये दो क्वांटिटी हो जाएगा तो दो से मल्टीप्लाई कर दो, यानी मान लो इसको x है तो ये भी तो x है ना, तो ये क्या हो जाएगा 2x, x के जो पर वैल्यू कौन सा है पूरा का पूरा यही वैल्यू है, तो उसको रख दो मान कर भी तो ऐसा कर सकते हो ना दिमाग से थोड़ा सा, ठीक, तो ये आपका आ गया आंसर। अब यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है बच्चा, अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं क्या है, यहाँ पर बच्चा फिर से बोला जा रहा है ना संकलन चित्र में वी ए माइनस वी बी दोनों उसी का मतलब वी ए माइनस वी बी का ही मान निकालना है की गणना करो, क्यू इजकल टू में कितना दे रखा है बच्चा, क्यू इजकल टू में इतना वैल्यू दे रखा है, यदि ए और बी की स्थितियां चित्र बी के अनुसार हो तो, यदि ए और बी की जो स्थितियां हैं चित्र के अनुसार हो तो, बात समझ में आ रहा मतलब चित्र के अनुसार ही हमें क्या करना है वी ए और माइनस वी बी की वैल्यू ज्ञात करना है। देखो अब बच्चा देखना कि अगर वी ए माइनस वी बी की वैल्यू ज्ञात करना है, ठीक ना, तो अब यहाँ पर एक गुलाम ये गुलाम जो आवश्यक है इसके कारण इस पर कितना ज़्यादा
विभव आ रहा है, मतलब उसको देख लेंगे। यहाँ पर इस गुलाम का इसके कारण कितना विभव आ रहा है, तो वी बी और वी ए दोनों निकल जाएगा और दोनों को क्या कर देना है, फिर माइनस कर देना है। अब देखो आवेश की वैल्यू आपको दी गई है, तो जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में क्यू क्यू ही ले रहे थे, तो यहाँ पर आवेश की वैल्यू क्या कर सकते हो, रख सकते हो। ठीक, तो वन बाई वन करके आराम से आप इस क्वेश्चन को भी कर सकते हो। देखो कैसे, अब यहाँ पर अभी फिगर था, देखिए अब यहाँ पर करेंगे क्या हम लोग, यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर एक बार दूरी के लिए भी देख लीजिए कि दूरी कौन कौन सा लेंगे। अगर इस बिंदु पर विभव देख रहे हैं तो हम ये दूरी लेंगे, अगर इस बिंदु पर विभव ले रहे हैं तो इस दूरी पर लेंगे, क्योंकि इससे दूरी यहाँ पर इतना ही है। ठीक ना, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक, अब अगर नीचे चलते हैं हम लोग, तो देखिए वही काम किया है कि प्लस क्यू के कारण ए बिंदु पर विभव निकाल रखा है, तो ए बिंदु पर विभव तो दूरी देखिए वही लिया है जो हम बोल रहे थे। ठीक ना, और यहाँ पर आवेश का मान दे रखा है बच्चा, तो आवेश का मान नहीं छोड़ोगे आप, आवेश का मान ले करके चलना है। ठीक ना, अब माइनस क्यू के कारण बिंदु बी पर विभव, माइनस क्यू के कारण बिंदु मतलब एक ही आवेश था ना बीच में, तो एक ही आवेश के कारण क्या चाहिए, बिंदु ए पर भी कितना ज़्यादा विभव होगा, उसी आवेश के कारण बिंदु बी पर भी कितना ज़्यादा होगा, तो वन बाई वन करके क्या कर सकते हैं, हम निकाल सकते हैं यानी फाइंड आउट कर सकते हैं, तो आराम से फाइंड आउट हो जाएगा हमारा। तो प्लस क्यू के कारण बिंदु बी पर विभव तो कितना आ जाएगा, वो इतना ही आएगा, बस दूरी देखो चेंज हुआ, क्योंकि दूरी हमने बताया कि बी के कारण जो दूरी था वो कितना था, 1 सेंटीमीटर था, और जो ए के कारण जो दूरी था वो था कितना, 2 मीटर। यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग, यहाँ पर क्वेश्चन में आपको दे रखा था। ओहो ये कैसे हो गया, रुक जाइएगा 5 मिनट तो। हेलो, रुक जाइए, हो गया, सही हो गया गुरु। देखिए तो यहाँ पर अगर आप दूरी देखोगे ना, तो दूरी यहाँ पर बच्चा देखोगे, तो देखो दूरी दिखा देता हूँ मैं आपको, यहाँ पर ए और बी कैसे, देखो देखो ये वाला, अगर बी के कारण क्यों मतलब क्यू वन प्लस क्यू कारण अगर बी दूरी पर निकालो, बी बिंदु पर निकालोगे विभव, तो 1 मीटर ले लोगे भाई साहब, और प्लस क्यू कारण ए बिंदु पर निकालोगे तो यहाँ पर 2 मीटर ले लोगे, बस वही काम करना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस कॉन्सेप्ट को आपको समझते जाना है, क्वेश्चन लगते जाएंगे, ऐसा बात नहीं है क्वेश्चन नहीं लगेंगे आपसे, आराम से क्वेश्चन लग जाएंगे, कोई मतलब कि बड़ा मतलब भयंकर टाइप का कोई क्वेश्चन नहीं है। तो वी ए माइनस वी बी निकालना था, तो दोनों को माइनस कर दो, अब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर ये दोनों क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा कि 10^6, मतलब कि प्लस क्यू ही था ना यार, तो प्लस क्यू का मान दिया था, तो प्लस क्यू का जब मान दिया रहेगा तो उसको क्या करेंगे, अलग कर देंगे, यानी 10^6 अलग कर देना है, और 10^-6, और इसको इस तरीके से 1/2 हो जाएगा, माइनस में 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर ये बात समझो आप। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर इसको जो सॉल्व करोगे तो इसको आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो, यहाँ से कि आसानी से सॉल्व कैसे कर सकते हो बच्चा, देखो यहाँ पर जो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना होता है ये आप जानते हो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है, तो ये देखो ये यही तो होती है ना, तो 1 बाई को हटा करके 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को इतना रख देना है, ऊपर में 10^-6 था तो ये यहाँ पर रख दिया, और यहाँ पर क्या 1/2 था, और 1 में से 1/2 जाएगा तो -1/2 आ जाएगा, बाहर जाहिर सी बात है ये सिंपल सी बात है, तो यहाँ पर -1/2 इसको कट कर दो, इसको कट कर दोगे तो 4.5 आ जाएगा, और 10^3 हो जाएगा, और यहाँ पर इसको देखो इसका मतलब क्या होता है, 10^3 का मतलब ये होता है कि 1 पे कितना 0, 3 0, तो 3 0 लगा दो, ये 3 0 लगाओगे तो 1 0 कहाँ चला जाएगा, ये ओ नो कैसे हो गया ये, अगर देखो सॉरी देखो यहाँ पर 2 0 आएगा, देखो कैसे समझ जाओ, बहुत ईजी है। देखो बच्चा अगर यहाँ पे पॉइंट आप हटा रहे हैं, समझ रहे कि यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो एक नीचे 100 बढ़ जाएगा, क्योंकि भैया पीछे से देखते हैं कितने नंबर का पॉइंट है, एक नंबर के बाद तो 100 नीचे 10 बढ़ जाएगा, एक नंबर का पॉइंट है तो यहाँ पर क्या कर दोगे, 1 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 1000 ना होगा, ये 1000 ना था, 1 से 1 0 कैंसिल हो गया, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 4500, और ये माइनस का साइन लगा हुआ था तो माइनस का साइन लगा दोगे, क्या इतना बात समझ में आ गया, बात समझ में आ गया गुरु, चलिए समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए अब अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये देखो और भी ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, कुल मिलाकर के इसमें आपको कॉन्सेप्ट समझते जाना है, बाकी आप क्वेश्चन आराम से लगा लोगे, अपने से कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक, तो यहाँ पर अब देखो क्या बोल रहा है कि 5×10^-60, यहाँ पर क्या बोल रहा है बच्चा, यहाँ पर ये बच्चा बोल रहा है कि 5×10^-8 तथा -3×10^-8 के दो आवेश 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, 16 सेंटीमीटर के कहाँ है दूरी पर स्थित है, चलो अच्छा ठीक, चलिए ठीक, मतलब कि ये दोनों आवेश 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। अब देखिए 16 सेंटीमीटर दे दिया था बच्चा, तो 16 सेंटीमीटर अभी क्या है सीजीएस है, उसको करोगे क्या कि उसको एमकेएस में बदलोगे, बट ठीक बात समझ में आ रहा है, एमकेएस में बदलने के लिए क्या करोगे, सेंटीमीटर में है तो 100 से क्या कर दोगे डिवाइड दे दोगे,
मतलब 100 से या तो भाग दे दो या तो 10^-2 से क्या दो गुणा कर दो, वही बात है, कुल मिलाकर सिंपल से वही बात है, कोई अलग बात नहीं है। तो यहाँ 16 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर, और दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत विभव शून्य होगा, मतलब वैद्युत विभव का मान शून्य हो जाएगा। तो ये आपको ज्ञात करना है, निकालना है। तो यहाँ पर दोनों दो स्थिति संभव होंगे। देखो अब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि दो आवेश है, दोनों आवेश 16 सेंटीमीटर की दूरी पर है, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा, मतलब दो आवेश है ना, दोनों आवेश को मिलाने वाली रेखा, मान लो यही रेखा है, रेखा के किस बिंदु पर विभव शून्य होगा। तो मतलब दो आवेश, एक ही आवेश, एक ही आवेश, दोनों आवेश इस तरीके से, और दोनों आवेश को मिलाने वाली रेखा यही है, मान लो ये वाला। तो अब इस बिंदु पर, मतलब ये वाला जो रेखा है, अब इसके किस बिंदु पर विभव का मान शून्य होगा। तो देखो अब जाहिर सी बात है, दोनों आवेश को ये रेखा तो मिला रही है, ये वाली रेखा, लेकिन जाहिर सी बात है ये रेखा इधर भी तो जा सकती है ना, बात समझ में आ रहा है कि नहीं। उसके बीच में तो नहीं बोला है, बीच में कहाँ बोला है क्वेश्चन में, तो हम कहाँ, मतलब कि अगर फिगर के अकॉर्डिंग देखेंगे तो बिंदु दोनों बीच में भी विभव शून्य हो सकता है और साथ में बाहर भी, मतलब दो जो मतलब जो आवेश हैं, आवेश अगर रखे हुए हैं इस तरीके से, तो इसके बाहर भी तो विभव शून्य हो सकता है, इसके बाहर भी तो विभव शून्य हो सकता है, वही यहाँ पर कंडीशन देखा जा रहा है। ठीक, तो इसी कंडीशन को हम लोग भी देखेंगे। चूंकि अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन, आई होप आपने समझ में आ गया होगा। चलिए देखिए, क्वेश्चन में यही बोल रखा था कि दो आवेश थे, दोनों आवेश को क्या चाहिए, इतने सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया था, ये कितना टोटल कंट्रोल 16 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया था। ये देखिए, तो यहाँ पर ये बोला गया कि दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर, मतलब इस रेखा को अगर मिला रहा है ये रेखा, तो इसके किस बिंदु पर विभव का मान शून्य होगा। तो ये ऐसे क्वेश्चन में आप करोगे क्या ना, कि आपको तो पता नहीं किस बिंदु पर विभव का मान शून्य होगा, तो आप दोनों आवेशों से कि नहीं, एक आवेश से क्या चाहिए कुछ दूरी मान लोगे। देखो कि हम मान करके चलते हैं, हमें पता नहीं है कि कहाँ पर शून्य हो जाएगा इसका आवेश, ठीक ना, कहाँ पर शून्य हो जाएगा, लेकिन हम सपोज मान करके चलते हैं बच्चा, कि मान करके चलते हैं कि ए जो है ना, ये वाला जो ए पर आवेश है ना धनात्मक वाला, उससे एक्स दूरी पर शून्य हो जाएगा। यानी अगर एक्स का मान निकाल लिए तो हमें एकदम कन्फर्म पता चल जाएगा कि एक्स मतलब पहला जो आवेश था उससे इतना दूरी पर, यानी एक्स दूरी, तो एक्स का मान कुछ ना कुछ तो आएगा ना, इतना दूरी पर विभव शून्य होगा। उसमें भी क्वेश्चन में तो पूछ रहा था कहाँ पर होगा, लेकिन अभी हमें पता नहीं है, तो हम एक्स दूरी मान लेते हैं, कहाँ एक्स दूरी पर शून्य होगा। अब एक्स का अगर मान निकाल दिए हम किसी भी तरीके से, तो हमें पता चल जाएगा कि कितने दूरी पर शून्य होगा। क्या बच्चे बात समझ में आ रहा है? तो यहीं पर क्या होगा कि एक्स सेंटीमीटर दूरी पर शून्य होगा, मान लेते हैं, ठीक ना। ये पूरी दूरी कितनी थी बच्चा, ये पूरी दूरी 16 सेंटीमीटर थी, तो आपको पता है कि अगर ये पूरी की पूरी दूरी, ये पूरा 16 है और इतना अगर x है, तो इतना पूछा जाएगा, तो आप बताओगे 16-x, यानी बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा दोगे, यानी 16 बड़ा है वहां पर, तो 16 में से क्या कर दोगे, x को माइनस कर दो, आराम से आ जाएगा आपका। बात समझ में आ रहा है? ये बहुत ही आसान है, उतना ज़्यादा कठिन नहीं है कि आप उतना ज़्यादा रॉकेट वाला दिमाग लगाओ, रॉकेट वाला नहीं दिखा रहा है अभी, ना बेसिक आराम से क्वेश्चन लग जाएगा। बात समझ में आ रहा है? देखिए यहाँ पर तो यही बात है, तो माना ओ बिंदु पर विभव शून्य है, मान लेते हैं ओ बिंदु पर विभव शून्य है, जो कि कहाँ से प्लस जो ए दूरी है ना, मतलब सॉरी ए जो आवेश है ना, वहाँ से एक्स दूरी पर है, जिसकी ए से दूरी एक्स है, बस मान लीजिए बच्चा, ठीक ना, ये इतना आपका कमाल हो गया। चलिए बवाल आपने कर दिया। तो यहाँ पर इस बिंदु पर मान लिया जा रहा है कि नेट विभव शून्य है, ठीक ना, हमें पता नहीं था कहाँ है नेट विभव, इतना पर शून्य है। नेट विभव का मतलब क्या होता है बब्बा, कि ए के कारण इस बिंदु पर कितना विभव, मान लो कि वी ये विभव, और बी के कारण इतना इस पे कितना विभव, मान लो वी भी विभव, तो इन दोनों का नेट विभव का मतलब दोनों का जोड़ शून्य होगा। शून्य तो वहीं पर मानना था ना, तो हमें पता नहीं है, हम बस मान ले रहे हैं शून्य होगा वहीं पर, ठीक ना, तो वही मान ले कि वी और वी भी इस बिंदु पर शून्य होंगे, तो नेट का मतलब क्या होता है, दोनों को जोड़ना ना पड़ेगा, ठीक। तो यही वाला खेल बस खेलिए यहाँ पर, दोनों को जोड़ दीजिए। बात समझ में आ रहा है कि दोनों को क्या कर देना बच्चा, जोड़ देना है, बस इतना दिमाग में थोड़ा सा रखिए कि दोनों को जोड़ दीजिए बच्चा, ठीक। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे कि बच्चा अब हम लोगों ने जोड़ दिया, जोड़ने के बाद अगर देखेंगे कि यहाँ पर देखिए कि जोड़ने के बाद अब कुछ करना नहीं है बच्चा, करना है बस इतना है कि वी ए की वैल्यू निकाल लो आप। वी ए के लिए देखो वही विभव का फॉर्मूला है 1/4π0। क्यू क्या था, क्यू का मान इतना था ना वहाँ पर, तो क्यू का मान रख दिया बच्चा। और यहाँ पर एक्स दूरी, एक्स दूरी क्योंकि आप याद करो ए से ओ तक की दूरी एक्स माने थे ना, बात समझ में आ रहा है ना, फिर ओ से बी तक की दूरी कितना आ गया था, 16-x आ गया था, क्योंकि पूरा दूरी तो 16 था ना, 16 सेंटीमीटर। यहाँ पर इंटू में क्या कर दिया, 10^-3, क्योंकि जो एक्स माने थे ना बच्चा वो सेंटीमीटर में माने थे, और चूंकि हमारा जो आवेश है वो कूलम में है, यानी ये एमकेएस में है, या एसआई यूनिट इसको बोलते हैं, या एमकेएस आप बोलो, तो इसको भी एमकेएस में बनाना पड़ेगा ना, इसलिए क्या करना पड़ेगा, या तो 100 से भाग दे दो, या फिर 10 10 10 10
मतलब 10 के खाते माइनस 2 से गुणा कर दो, बस। तो यही काम किया है, तो ये कर दिया। वीबी का वैल्यू निकालोगे तो वीबी में जानते हो भैया कि ओ से बी तक की दूरी कितनी थी, 16 माइनस एक्स था, इसमें भी इतना से गुणा करा दिया, क्यों बच्चा? क्योंकि ये भी देखो क्या था, सेंटीमीटर में था, 16 माइनस एक्स भी तो सेंटीमीटर में होगा ना, क्योंकि 16 भी क्या था, सेंटीमीटर में था, तो इससे भी कर दिया। और ये उसका आवेश है, तो आवेश हमने बता रखा है कि विभव में आवेश अगर प्लस में है बच्चा तो प्लस में लेना है आपको, माइनस में होगा तो माइनस में रखना है, बात समझ में आ गया। और नेट विभव शून्य बोला था तो इस में शून्य बोल मान लेते हैं। अब यहाँ पर देखो एलसीएम क्या ले लिया हमने, सॉरी कॉमन क्या ले लिया है, कॉमन यहाँ पर बच्चा ले लिया है, कॉमन ले लिया है बच्चा, इतना ले लिया हमने कॉमन। अब अंदर क्या बचेगा बच्चा, तो अंदर देखो 5/x से बचेगा, और यहाँ से 3/ में ये 3 बच जाएगा, ये माइनस क्या कर देगा, इस प्लस को भी माइनस कर देगा, तो यहाँ पर 16/ में x बच जाएगा, बस। अब यहाँ पर करना क्या है बच्चा, कि आपको करना क्या है कि यहाँ पर बस एलसीएम लेकर के सॉल्व कर देना है, कि यहाँ पर एलसीएम इस तरीके से भी ले सकते हो कि इसको इधर गुणा करा दो, इसको इधर गुणा करा दो, सामने सामने गुणा करा दो, एलसीएम लिया गया, बात समझ में आ रहा है बच्चा? तो यहाँ पर बस इसी तरीके से आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगा। अब यहाँ पर वही काम किया है, देखो अब यहाँ पर ये वाला जो चीज़ है वो कहाँ चला जाएगा, जीरो चला जाएगा, क्योंकि जीरो में हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको सॉल्व जब करोगे बच्चा, देखो हमने एलसीएम जिसे बताया वैसे ही लिया है, इधर से इसको मल्टीप्लाई और ये सामने सामने मल्टीप्लाई, सब वही कर दिया है। अब ये भी बच्चा देखोगे कि ये भी वाला जो हो जाएगा, ये भी मटेरियल क्या हो जाएगा, ये जीरो में चला जाएगा, यानी ये भी जीरो में हो गया। अब करना क्या है बच्चा, कि इसको बस सॉल्व करना है आपको, क्योंकि ये भी मटेरियल भाग में है तो इधर गुणा में चला जाएगा, वही जीरो हो जाएगा। देखो रो फटाफट सब जीरो में चलेगा यहाँ पर। अब देखिए तो यहाँ पर ऊपर वाला बस सॉल्व करेंगे हम लोग, तो ऊपर वाला जब सॉल्व करेंगे बच्चा तो कितना आ जाएगा, ऊपर वाला जब सॉल्व करेंगे हम लोग तो यहाँ पर देखिए, तो ऊपर वाला जब सॉल्व करेंगे तो ये कुल कितना आ जाएगा, ये वाला, इसको तो ये तो जीरो हो गया ना, इसको मत दिखाओ, इसको यह वाला, ये वाला ऊपर से इतना, तो 10 80 मतलब 16/80 माइनस 5x और माइनस 3x, जब सॉल्व करेंगे तो x के वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चा, 10 आ जाएगा, तो 10 मीटर में आएगा, क्योंकि ऊपर हमने जितने भी सेंटीमीटर थे ना बच्चा उसको मीटर में बदल दिया था, 10 की घात है माइनस 2 से गुणा कर करके, तो बवाल वहीं पर कर दिया था हमने, ठीक ना। तो आपको डर नहीं लगना चाहिए, ठीक ना, कि कैसे कैसे हो गया बताइए, या नहीं किए, अरे बता तो दिए ना। अब यहाँ पर देखिए, अब जाहिर सी बात है बच्चा के ऊपर हमने जब ये देखा, यानी इस क्वेश्चन में जब आपने देखा कि भैया अगर इस बिंदु के इस बिंदु पर अपने विभव का मान शून्य आ रहा है, मतलब एक्स का मान कितना आया था बच्चा, 10 मीटर आया था, मतलब इस आवेश से 10 मीटर की दूरी पर विभव क्या होगा, शून्य होगा, बात समझ में आ रहा है कि नहीं, 10 मीटर की दूरी पर शून्य होगा। तो इन दोनों के जैसे बीच में अगर आवेश शून्य हो जा रहा है तो जाहिर सी बात है इधर भी तो कोई बिंदु होगा ना जहाँ पर क्या हो जाएगा, विभव का मान शून्य होगा, विभव का मान शून्य होगा, ठीक ना। तो यहाँ पर इस बिंदु पर भी तो कोई ना कोई विभव होगा ना, जैसे जहाँ पर विभव का मान शून्य होगा दूरी बदल जाएगा, बात को समझ में आ रहा है, तो उसी को निकालेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर इसी लाइन पे निकालना है जो कि इन दोनों को लाइन को मिला रहा है, तो इसके बीच में तो बोला नहीं है क्वेश्चन में, है ना, उसके इस पर भी हो सकता है, उस पर भी, तो उन दोनों को भी तो देखना पड़ेगा ना बच्चा, तो इसी को हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर जब आप देखोगे अब यहाँ पर जब हम लोग देखेंगे कि देखो बिंदु ओ कहाँ गयो, यहाँ पर आ गयो, देखिए बिंदु ओ आवेशों से बाहर है तब, मतलब बिंदु ओ जो बीच में हमने मान रखा था बच्चा यहाँ पर, अब बाहर है तब कैसे करोगे बच्चा, तो अब वैसे ही करोगे जैसे हमने किया था। अब बिंदु ए से क्या कर लिया है हमने कि इतना दूरी पर एक्स मान लिया है, अब एक्स की वैल्यू यहाँ से फाइंड करेंगे, ये वाले दूरी दोनों के बीच की दूरी तो 16 ही दिया था, तो 16 ही होगा, बात समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर अगर ये यहाँ तक की दूरी निकालोगे, अगर कहाँ से बी से यहाँ तक की दूरी निकालोगे बच्चा, तो बी से यहाँ तक की दूरी निकालने के लिए पूरे में से यानी बड़का वाले में से, बड़का कौन है हमारा एक्स है, एक्स में से 16 घटा दो तो बी से ओ बिंदु तक की दूरी निकल जाएगी। ए बिंदु तक की दूरी क्या है कि ए बिंदु तक की दूरी कहाँ है कि ए से ओ तक की दूरी, बात समझ में आ रहा है, एक्स मान लिया भैया मुझे एक आवेश हमने मान लिया कि इस आवेश के कारण, इस पर्टिकुलर आवेश के कारण यहाँ पर इस आवेश के कारण इस बिंदु पर विभव कुछ ना कुछ शून्य होगा, मतलब बोला था क्वेश्चन में, तो मान लेते हैं कि एक्स दूरी पर शून्य होगा, हमें अब कंफर्म नहीं है इतना बात कितने ही पर शून्य होगा, लेकिन देख लेंगे एक्स का मान जितने पर आएगा वो उतना ही पर विभव शून्य हो जाएगा, इतना हम मान लिए, ठीक ना, कि मान करके चलते हैं यार। अब जितने दूरी पर कन्फर्म नहीं है कितने ही दूरी पर, अब एक्स का जो मान आएगा उतना ही दूरी पर कन्फर्म मान लेंगे, ठीक ना, ये तो एक्स हमने मान रखा है, बस समझ रहा ना। तो यहाँ पर अब वही वी ए और वी बी दोनों के कारण, मतलब इस आवेश के कारण इस बिंदु पर जो विभव होगा और इस आवेश के कारण इस बिंदु पर जो विभव होगा, दोनों को मिला करके विभव कितना होगा, शून्य होगा, तो उसी को हम निकालेंगे। तो देखो यहाँ पर वी ए का मान फिर से रख दिए, वी बी का मान फिर से रख दिए, कुल मिलाकर वही क्वेश्चन हो जाएगा। और वही क्वेश्चन हो जाएगा तो बी के कारण अगर बिंदु बी पर जो विभव देखोगे, जैसे ये वी बी का मान, तो यहाँ पर देखो ये माइनस में यही वाला आपको
लेना है, आवेश ले लेना है, और यहाँ पर जो दूरी लोगे आप यही लोगे, क्योंकि बिंदु के बी के कारण, बी के कारण, बी के कारण बिंदु ओ पर विभव देख रहे थे, तो इतना हो जाएगा कुल मिला करके, इतना हो जाएगा, तो प्लस में जीरो। अब यहाँ पर देख लेते हैं, अब यहाँ पर अगर इसको आप सॉल्व करोगे बच्चा, तो देखो सॉल्व जब करोगे तो सॉल्व करने के बाद आपको एक्स की जो वैल्यू पता चल जाएगी वो कितना पता चल, 40। यानी 40 का मतलब ये है बच्चा कि ए बिंदु से 40 मीटर की दूरी पर, यानी जब बाहर अगर बिंदु आपने मान रखा कि बाहर भी तो शून्य हो सकता है ना यार, ठीक ना, तो ए बिंदु से, जो ए बिंदु था उससे 40 मीटर की दूरी पर, क्योंकि एक्स का मान ए बिंदु से तो लिया था ना, एक्स का मान जब ए बिंदु से लिया था बच्चा, तो क्या हो जाएगा, वो 40 मीटर की दूरी पर होगा। जब ये वाली जो दूरी थी वो कितनी थी, 40 मीटर की दूरी पर थी, ये देखो ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये कहाँ गए हो, ये देखो ये 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 ए बिंदु से एक्स की दूरी कितना माना था, 40, चार एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 40 मीटर आ गई, तो क्या होगा पता, मतलब इसका मतलब क्या निकल रहा है कि भैया मोरे, कि भैया मोरे ए से 40 मीटर की दूरी पर एक बिंदु होगा जहाँ पर विभव का मान शून्य होगा, स्वाहा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक ठीक, अच्छा अच्छा। अब देखिए ये 40 मीटर की दूरी पर, इतना बात समझ में आ गया, तो दोनों कंडीशंस आपके यहाँ पर निकल गए। अब ये आई होप, हम आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। चलिए अब अगले वाले लेक्चर में हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बारे में, और भी बहुत सारे स्थिति ऊर्जा वगैरह वगैरह, अच्छी निरक्षय स्थिति पर विभव का मान देखेंगे अगले वाले लेक्चर में, ठीक ना। तो ये लेक्चर काफ़ी रहा, और इसमें हमने जो मज़ेदार मज़ेदार देख रहे थे, मतलब एक टॉपिक हमने पढ़ा, मतलब एक टॉपिक हमने पढ़ा कि विद्युत विभव होता क्या है, और किसी बिंदु आवेशकरण किसी बिंदु पर विभव का मान, बात समझ में, कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाला ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, एक पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू निकाली, लेकिन उसके हिसाब से हमने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए, मजा आ गया कुछ मिला करके। सो, अगर समझ में आया तो बताना कि हाँ कमेंट में कि समझ में आ गया भैया, और अगर नहीं समझ में आया तब भी बताना, क्योंकि अगर आप जो कमेंट करते हो ना वो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा वैल्यूबल कमेंट होता है, दिल खुश हो जाता है उस कमेंट को पढ़ करके। तो नहीं, जरूरी नहीं कि अच्छा ही कमेंट, अगर आपको समझ में नहीं आया तो वो भी शेयर कर सकते हो कि भैया यहाँ पर नहीं समझ में आया, भैया ये वाला चीज़ नहीं समझ में आया, भैया अगले वाले लेक्चर में भैया इस चीज़ को कवर कर देना, ऐसे अगर आप पूछोगे तो दिल खुश हो जाता है। बात समझ में आया कि बच्चे पढ़ हैं, बात समझ में आ रहा है, और मेरा मेहनत भी थोड़ा सा सफल हो जाएगा, बात समझ में आ रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं, ठीक ना, जाओ मजे करो, फोड़ो, आग लगा दो, कुल मिला बवाल कर दो, जाओ बवाल करो, बवाल।